स्टार्ट करें, पीछे बैठ के जाके आज तू, अगर ठंड लगती है तुझे, ठंडा आदमी। PRC के हैं गल, उसकी इकोनॉमिक्स तो सारी हिल गई हुई थी 5 पेपरों वाली। जी जनाब, लास्ट लेक्चर से कोई किसी का सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? नहीं, कोई सवाल नहीं है। अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। अब मुझे बताओ, डिस्काउंट क्लेम करने की कंडीशंस कौन सी हैं? यहाँ के एंड तो यहाँ में तो आपने रूल चेंज कर दिए, यहाँ का मतलब और है, ओ आर वाला। याद रखिएगा, अगर टेक्स्ट में आपने और को एंड या एंड को और किया ना, तो रिजल्ट पता क्या होता है, वो एक नुक्ता आपको महरम से मुजरिम बना देगा, याद रखिएगा। तो दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट है, एक तो डिस्काउंटेड प्राइस इनवॉइस के ऊपर मेंशन हो, और दूसरा क्या था कि डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू सप्लाई हम कल कर रहे थे, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई के कोई मतलब आप इस पे नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि हर चीज़ की वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ही होगी, ऐसा नहीं है। वेरियस प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ में वेरियस वेज़ हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटर्मिन करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम चीज़ों को बेच रहे हैं, आप जाके कैश पे करते हैं, आप गुड्स को ले आते हैं, उनकी वैल्यू सप्लाई डिटर्मिन करने का तरीक़ेकार अलग होगा। आप किस्तों पे गुड्स को लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, अब इंस्टॉलमेंट पे मार्कअप भी होता है, उसका अलग होगा। आप अपने घरों के बिजली के बिल देखते होंगे, कभी देखे हैं, कभी पे किए हैं, उस पर पैसे कितने खाए हैं आज तक? वो उन बिजली के बिलों में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई लगी होती है। अक्सर आपने अपने बिजली के बिल में कंपोजिशन देखी होगी, अमाउंट भी लिखी होती है और टैक्स भी लिखा होता है, वो एक पाई चार्ट सा बना होता है बिल के ऊपर, उस पर अमाउंट और टैक्स की रेशियो मेंशन होती है, वहाँ पे भी यही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। तो अब हम यहाँ पे वेरियस सिनेरियोस पढ़ने लगे हैं कि किस किस सिनेरियो में किस किस तरह से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटर्मिन हो रही होगी। पेपर में करेगा, पेपर में आपको सिनेरियो गिवन कर देगा ये वाला, आपने उसके मुताबिक रूल लगा के वैल्यू सप्लाई डिटर्मिन करना होगा। आपके पास अगर कोई किताब वगैरह हो ना, उसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, और बच्चे इसको देखे घबराते हैं, और एक मिथ बनी हुई है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी सब कुछ लिखना पड़ेगा। द आंसर इज नो। पेपर में कभी भी पूछो ना वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, जस्ट ये डेढ़ लाइन जो है ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। बाकी जितनी कहानी है वो आगे सिनेरियोज हैं, उन सिनेरियोज में वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरह से डिटर्मिन होगी उसके बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में वैल्यू सप्लाई किस तरह डिटर्मिन होगी, जो हमारा नॉर्मल रूल है कि जो कंसिडरेशन आपको रिसीव होगी, जिसमें तमाम प्रोविंशियल तमाम फेडरल ड्यूटीज शामिल होंगी एक्सेप्ट सेल्स टैक्स जो हम कल पढ़ रहे थे, उसके मुताबिक हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू सप्लाई डिटर्मिन कर रहे होते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आप चीज़ परचेज करते हैं, आप कैश पे करते हैं, आप आ जाते हैं, जो आपने कैश पे किया उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, वो क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई होगी। तो नॉर्मल सिनेरियोज में क्या होगा कि जो कंसिडरेशन आपने पे की है, इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, वो क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ये पेपर में अभी तक टेस्टेड नहीं है, पेपर में उसने नहीं पूछा, एंड दैट इज कंसिडरेशन पेड partly in kind and या in cash। इसका मतलब क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपने नया मोबाइल लेना हो तो क्या करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, अपना ओल्ड फ़ोन देते हैं और आप बदले में नया मोबाइल ले आते हैं, ऐसा ही होता है।
और साथ आप एक डिफरेंशियल अमाउंट पे कर रहे होते हैं जी, इतने पैसे साथ दे दें ये मोबाइल ले जाए। अब जब आपने एक नया मोबाइल लिया, इसकी कीमत है लेट्स सपोज 1 लाख रुपया, आप ये लेने जा रहे हैं, तो क्या एक ऑप्शन है 1 लाख रुपया दें मोबाइल लें, दूसरी ऑप्शन क्या है आप अपना ओल्ड फोन दें प्लस जो रेजिडुअल कैश होगा, जो रिमेनिंग कैश होगा आपने वो देना है, तो आपके पास ही नया फोन आ जाएगा। ऐसे ही है, अब फॉर एग्जांपल कहते हैं आपका पुराना फोन जो है वो 40,000 का मैं लूंगा, तो रिमेनिंग आप कैश कितना पे करेंगे, आप रिमेनिंग कैश पे कर रहे होंगे 60,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये नया फोन आ जाएगा। आप इस तरह से नए फोन की कीमत जो है अपने डिटर्मिन कर रहे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब प्रैक्टिकली लाइफ में भी हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम कोई चीज़ वगैरह परचेज कर रहे होते हैं, जब बिजनेस मैन की बात करूँ, कंपनीज की हैं, बड़े बिजनेसेस की, वो कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो कोई कंसिडरेशन कैश में पे कर देते हैं, कोई चीज़ जो है वो एसेट्स की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। आप नया प्लांट लेना है, नई मशीनरी लेनी, क्या करेंगे आप ओल्ड मशीनरी देंगे साथ पैसा दे देंगे, आपने गाड़ी नहीं लेनी है बिजनेस के लिए आप ओल्ड पिकअप देंगे नई पिकअप ले लेंगे, तो उस केस में फिर हम नई चीज़ की किस तरह से करेंगे डिटरमिन वैल्यू, कि जो हमने कैश गिवन किया वो तो हमें पता है, जो हमने ओल्ड एसेट या कोई भी चीज़ गिवन की होगी उसकी जो ओपन मार्केट प्राइस होगी, ओपन क्या मतलब है कि ये चीज़ आज मार्केट में कितने की बिक रही है, वो हम दोनों क्या करेंगे जमा करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नए एसेट्स की कीमत आ रही होगी, तो ओल्ड एसेट्स की मार्केट प्राइस प्लस जो कैश गिवन किया होगा उससे मेरे पास क्या आ जाएगी, नए एसेट की कीमत आ जाएगी। ये जो कंसिडरेशन पार्टली इन काइंड है, ये पेपर में अभी तक आई कि आपने टेस्ट नहीं की हुई, मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। यार कोई भाग के रहेगा फ्रंट ऑफिस में शाही, वो शहबाज के पास, उसे कहना वो प्रिंट आउट जल्दी से भेजो, जल्दी से उसे को अगले 5 मिनट में प्रिंट आउट भेजे जल्दी से। तो ये वाला पॉइंट अभी तक पेपर में टेस्टेड किसी न्यूमेरिकल में किसी भी एडजस्टमेंट में नहीं है, क्लियर है ये, इन काइंड उसने नहीं पूछा हुआ। और ये बड़ा इजी है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, ओल्ड एसेट की कीमत और नए एसेट की जो लिया प्राइस पे की होगी आप उस तरह कर लेंगे। तीसरा वो है सेल्स मेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट एंड कैश बेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर पेपर में आता है, आप किसी भी न्यूमेरिकल में उठाएंगे, हर न्यूमेरिकल में ये पॉइंट नंबर 3 सिनेरियो मौजूद है, वो है इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर। इंस्टॉलमेंट बेसिस कह सकते हैं या आप ऑन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट बेच रहे हैं, उधार पे सामान बेच रहे हैं। अब जब आप कैश में फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप बाइक परचेज करने जाते हैं कैश में, आपको 1 लाख रुपए की मिलती है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है तो आप कहाँ क्या करेंगे, आप उसको परचेज करेंगे किस्तों में, तो क्या किस्तों में भी आपको वो 1 लाख रुपए की मिलेगी, कितने की मिलेगी, जो इंस्टॉलमेंट प्राइस होगी 1,40,000 होगी, ऐसे ही है। ये 40,000 क्या है, ये डिफरेंशियल क्या है, ये डिफरेंस जो ले रहा है ये 40,000 क्या है, इसे क्या कहते हैं हम, इंटरेस्ट है, हाँ ओल्ड वाइन या न्यू बॉटल कर लो मार्कअप हो जाएगा, सूद है, मार्कअप है, हलाल करना तो मार्कअप, हराम करना इंटरेस्ट, और क्या डिफरेंस आ जाएगा इसमें बताओ ज़रा, नहीं मार्कअप हलाल ही होता है, कमोडिटी के ऊपर है, इतना कहाँ पता होगा आप लोगों को। तो ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, सूद है, मार्कअप है, या आप कैश सेल्स कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं 1 लाख की बेचूंगा, उधार मेरे से लेके जाना है तो मैं आपसे 1,20,000 लूंगा। अब जहां पे ये इंटरेस्ट आ जाए ना, जहां पे ये आ जाए क्रेडिट, इस इंटरेस्ट के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, कभी भी सेल्स टैक्स इस इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज नहीं होगा। वो जो दुकानदार है जिसने वो मोटरसाइकिल बेची होगी उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगी, 1 लाख ही कंसीडर होगी, ये 140 कभी भी कंसीडर नहीं होगा। रिमेंबर इंटरेस्ट के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर्सपेक्टिव से है हर न्यूमेरिकल में ये एडजस्टमेंट आई हुई है। आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाएंगे,
कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं एसोसिएट्स वाले, मेनली एसोसिएट्स वाले, हर न्यूमेरिकल में ये एडजस्टमेंट होगी कि आपने ऑन क्रेडिट चीज़ें बेची हुई हैं, आप उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उस पर मार्कअप ले रहे हैं। रिमेंबर, ये मार्कअप जो होगा या ये जो इंटरेस्ट होगा इसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स नहीं लग रहा होगा। अगर उसने कोई आपको अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप दे दी है तो आप क्या करेंगे, उसमें से मार्कअप आप अपना रिमूव कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी आपने 2,20,000 रुपये की गुड्स बेची हैं और ये गुड्स आपने बेची हैं जी ऑन क्रेडिट उधार के ऊपर, और अगर आप इसको उधार पे बेचते हैं तो वो आप 20% मार्कअप पे बेच रहे होते हैं। ये वो आपको गिवन कर देगा कि ये 2,20,000 में 20% मार्कअप शामिल है। जब आप इसके पास टैक्स लगाएंगे तो आप इसमें से मार्कअप रिमूव कर देंगे। इट मीन्स इसमें अगर 20% मार्कअप शामिल है तो आप क्या करेंगे, इसको आप 1.2 पर डिवाइड कर देंगे, जो आपका जवाब आएगा वो क्या होगा, एक्सक्लूडिंग मार्कअप होगा, फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स क्या होगा, लग रहा होगा 180। मैं 3,000 भी ले लें जी, 3,000 रुपये भी ले लें, ये ना खुश हो रहे। तो ये है आपकी वैल्यू एक्सक्लूडिंग मार्कअप। इसके ऊपर क्या किया जाएगा, 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। इट मीन्स इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर कभी भी हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। ये आपको तकरीबन हर न्यूमेरिकल में ये एडजस्टमेंट मिलेगी, ये वाली जी जना, ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल, इसमें कोई सवाल? ये वाली आपको हर अटेम्प्ट में मिल रही होती है, ये वाली उसने कभी पूछी नहीं है एग्जामिनर। मैं कह टेक्स्ट में इतना रूम है, इतना रूम है टेक्स्ट में भी पेपर पूछने का। लाइक अगर मैंने पेपर बनाना हो, मैं आपको पेपर बनाऊँ 100 मार्क्स का, आप किताब ओपन कर लें, आप पेपर नहीं कर पाएंगे, इतना इस पेपर में भी रूम मौजूद है। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ कि अभी तक ये पेपर में टेस्टेड नहीं है, उसको ज़रा मार्क कर लिया करें ताकि जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो आपके ऊपर उसका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज उसने जो अनसीन चीज़ें हैं जो उसने अभी तक नहीं पूछी उसने हर अटैम्प्ट में पूछनी है। और सबसे बड़ी बात है जब भी टेक्स्ट का सिलेबस चेंज होता है तो जो चेंजेस आई होती हैं वो तो उसने लाजमी टेस्ट करनी होती हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को ना ज़रा अपना कंसिडर कीजिएगा। उसके बाद है सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन, केस नंबर 4। ये भी पेपर में न्यूमेरिकली टेस्टेड नहीं है ना थ्रेटिकली टेस्टेड है, ये वाला पॉइंट नंबर 4। एसोसिएटेड पर्सन के दरमियान अगर सप्लाई हो रही है तो वो हम किस तरह से उसको टेकअप करेंगे, कैसे उसको हम लेके चल रहे होंगे, उसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कंसिडर करना है। एसोसिएटेड पर्सन कौन से होते हैं, एनीवन? एसोसिएटेड पर्सन कौन होते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है, हेड एक ही हो, सबका सर एक ही होता है, किसी के 10 सर भी होते हैं, 10 सिरे होते हैं। हाँ भाई, एसोसिएट्स, क्लोजली रिलेटेड पर्सन। हम पहले अब चलते हैं, हम एसोसिएट्स की डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, फिर हम वापस इस पॉइंट पे आते हैं कि एसोसिएट्स क्या होते हैं। पहली डेफिनेशन जो आपने क्रैम करनी है वो ये है, अभी तक की ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो क्या करनी पड़ेगी आपको, क्रैम करनी पड़ेगी। और आगे इसके फिर सिनेरियोज़ हैं, आगे इसके सिनेरियोज़ हैं, वो सिनेरियो बेस पूछ रहा होता है एसोसिएट्स क्या होते हैं या एसोसिएटेड पर्सन क्या होते हैं। टू और मोर पर्संस आर सेट टू बी एसोसिएट, के दो लोग इन दोनों को हम एसोसिएट्स कब कह सकते हैं या दो से ज़्यादा लोगों को हम एसोसिएट्स कब कह सकते हैं, व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा मे एक्सपेक्टेड टू एक्ट, कि ये काम करेगा किसके बिहाफ पे, दूसरे बंदे की ख्वाहिशात के बिहाफ पे काम कर रहा है, कि दूसरा बंदा अगर कह रहा है कि तुम ये काम कर दो, ये उसके बिहाफ पे ये काम कर रहा होगा। ये इसको कह रहा है कि तुमने ये काम नहीं करना तो ये काम नहीं कर रहा होगा। अब इसको ज़रा पढ़िएगा कि टू पर्सन आर एसोसिएट, कि ये दो लोग आपस में एसोसिएट उस वक्त होंगे
वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सच डैट, कि इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है, कि डैट वन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, कि एक बंदा दूसरे की इंटेंशंस, दूसरे के ऑर्डर के मुताबिक क्या कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं करेगा, और बोथ पर्सन या ये दोनों पर्सन क्या है, किसी तीसरे बंदे के कहने के ऊपर क्या करेंगे, काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, और बोथ पर्सन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पर्सन, के दो पर्सन आपस में एसोसिएट कब है, जब एक बंदा दूसरे बंदे के कहने पर काम करेगा, या ये दोनों बंदे किसी तीसरे बंदे की एडवाइस पर अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम एसोसिएट्स कह रहे होंगे। ये है एसोसिएट्स की डेफिनेशन, जो सिर्फ और सिर्फ इतनी है। ये है एसोसिएट्स की डेफिनेशन। रिमेंबर, एम्प्लॉयमेंटशिप में एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयमेंटशिप में जो मालिक कहेगा मुलाजम ने वही करना है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंटशिप में आप ये काम कर रहे हैं वो एसोसिएट्स नहीं कहलाते, ये एक्सेप्शन है। दिस वन इज एक्सेप्शन, कि अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंटशिप में है, मुलाजमत में है, और मुलाजमत में रहते हुए हम कह रहे हैं कि ये काम कर दो, वो कर देता है, हम कहते हैं ये काम नहीं करना, वो नहीं करेगा, तो अगर वो मुलाजमत की वजह से कर रहा है तो हम उसे कभी भी एसोसिएट नहीं कहेंगे। इट्स मीन ये जो काम करना, ये जो रिलेशन डेवलप हुआ है, ये अदर देन एम्प्लॉयमेंट है। तो ये है हमारी एसोसिएट की डेफिनेशन। ये क्या है, एसोसिएट की डेफिनेशन है। ये आपने क्रैम करनी है, ये डेढ़ लाइन है जो आपने क्रैम करनी है। कर लोगे आप इसको एक दफ़ा रीड करें, आपसे हो जाएगी, ये ईजी है। ये रीड करें हाँ ज़रा इसको, ये तीन से चार दफ़ा लिख लीजिएगा, आपसे हो जाएगी ये। जी हो क्लियर है? अब पेपर में ये नहीं पूछता, कैसी बात है, एग्ज़ाम में उसने ये नहीं पूछना, उसने एग्ज़ाम में आपसे ये पूछना है, उसने एग्ज़ाम में ये पूछना है। और जब आप लोग ये देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं, ऐसे ही है। तो फिर एक शायर ने बड़ा एक अजीम शेर अर्ज़ किया था कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ऑल्डो कहाँ पर टांग रही होंगी, बट आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसने यहाँ पे हमें बताया है कि दो लोग आपस में एसोसिएट कब हैं, जब वो काम कर रहे हैं दूसरे के बिहाफ के ऊपर, या दोनों बंदे मिलकर किसी तीसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, और कह दिया कि जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में आता है वो एसोसिएट नहीं होता, तो फिर कौन होगा एसोसिएट? उसने कहा मैं बताता हूँ, ये लोग जो हैं वो क्या हैं, आपस में एसोसिएट हैं। सबसे पहले कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव है, इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव जो हैं ये आपस में एसोसिएट होते हैं। अगर बाप के बेटे को बेटा पानी लेके आया, वो नहीं लेके आएगा, वो ना लेके जायदाद से आग हुआ होगा पाकिस्तान में, सुबह अखबार में ऐड लगी कि इस नाफरमान गंदी औलाद को मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी एक मरले की जायदाद से आग कर रहा हूँ, ये ऐड लगी होगी, ऐसे है कि नहीं? या अगर किसी बंदे की शादी हो जाती है तो जो उसके फादर इन लॉ आते हैं वो उसको इनकार करके दिखा दे मुझे ज़िंदगी में कभी भी, वो बेरोजगार और बेघर हुआ होगा बेचारा आदमी। तो रिलेटिव्स जो होते हैं आपके, वो आप कोई काम किए कि आप इनकार कर देंगे? नहीं करेंगे। आप रिलेटिव के बिहाफ पे काम कर रहे होंगे या आपका और रिलेटिव के काम कर रहे होंगे, तो एक इंडिविजुअल और इसका रिलेटिव जो है ये आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। और रिलेटिव वो नहीं है कि जो हम लोग कहते हैं ये भी रिलेटिव है, ये भी रिलेटिव है, सलाम किया जी मेरा रिलेटिव हो गया,
रिलेटिव एक्सप्लेन है, ये रिलेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है कि टैक्स में रिलेटिव भी एक्सप्लेन्ड है, टैक्स के मुताबिक रिलेटिव होने चाहिए। अब वो कौन होते हैं? एंसेस्टर, आपके आबाओ अजदाद, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, दादा दादी, उसके बाद अडॉप्टेड चाइल्ड आ जाता है, या जो आपके डिसेंडेंट्स हैं मतलब आपकी औलाद वगैरह ये, और स्पाउस मियाँ बीवी, और जो बीवी का ख़ानदान वगैरह होगा वो मतलब उसके दादा दादी, उसकी औलाद मतलब बीवी की औलाद अपनी औलाद ही हुई, तो वो, तो ये जो रिलेटिव्स हैं ये आपके रिलेटिव्स में आ रहे होते हैं। तो ये रिलेटिव्स हैं, ये रिलेटिव्स हैं जो टैक्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर ये आपको कह रहे हैं आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर एसोसिएट है। अगर आपके दूर के चाचा के बेटे के पास किस किस का करवा के वो काम करता है, वो आपका रिलेटिव नहीं होगा। रिलेटिव ये जो इमीडिएट रिलेशंस उसने डेवलप कर दी हैं, आपके इंसेस्टर्स जिसमें आपके आ रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स, आपके डिसेंडेंट्स जिसमें आपकी औलाद है, आपका कोई अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है जो लीगली होता है अडॉप्टेड, नॉट मुंह बोला क्या मेरा पुत्र आया तू भी, नो, और स्पाउस बीवी, और उसके जो इमीडिएट रिलेटिव है उसके दादा दादी, उसके बच्चे मतलब आपके बच्चे, तो ये क्या है आपके रिलेटिव कहला रहे होते हैं। अब ये दोनों आपस में एसोसिएट्स हैं। आपका दादा को कोई काम कहेगा आप करेंगे, आप एसोसिएट्स हैं। बच्चों के काम कहेंगे वो करेंगे, आप एसोसिएट हैं। बच्चों ने कोई काम किया जिस पे जेल होती है तो आप अंदर जाएंगे, क्योंकि आप आपस में क्या हैं, एसोसिएट्स हैं। तो ये एसोसिएट्स जो हैं ये कहला रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो मेंबर्स होते हैं, जो अभी आपने कहा था पार्टनरशिप फर्म जो है, जो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स हैं आपस में सारे क्या हैं, एसोसिएट्स हैं। तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए बी और सी, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये तीनों पार्टनर्स आपस में एसोसिएट्स कहला रहे होंगे, बिकॉज ये तीनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर पार्टनर ए ने कोई काम कह दिया तो पार्टनर बी और सी करने के लिए बाउंड होंगे, पार्टनर सी ने कोई काम कर दिया तो पार्टनर ए और बी क्या होंगे, आपस में बाउंड होंगे। तो जो ए और बी के एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर्स होते हैं ये भी क्या हैं, आपस में एसोसिएट्स हैं। उसके बाद एक एओपी मतलब पूरी फर्म, और एक मिनट कौन सा रूल है, हाँ, एक एओपी और एक मेंबर मतलब कोई मेंबर ए, ये आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब एक मेंबर और ये पूरी फर्म, ये आपस में एसोसिएट कब होंगे, जब ये मेंबर इस फर्म के 50% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग अपने पास रखता हो। अब एक एक फर्म के पांच मेंबर हैं, पांच पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का 51% शेयर है, बाकी तमाम पार्टनर्स के 49% शेयर है। अब जिसके पास 51% शेयर है उसका होल्ड ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, उसके कहने पर हर काम होगा, उसके कहने पर हर काम रुक रहा होगा, तो इस केस में एक एओपी और मेंबर्स आपस में क्या हैं, एसोसिएट्स हैं। कब? जब कोई एक मेंबर किसी फर्म का 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग राइट्स या राइट टू कैपिटल रखता हो। उसके अलावा ट्रस्ट जो होता है और जो उसके ट्रस्टीज वगैरह होते हैं ये भी आपस में एसोसिएट होते हैं। उसके अलावा कंपनी के, कंपनी और शेयर होल्डर्स जो हैं वो एसोसिएट कब होंगे, कि अगर कोई भी शेयर होल्डर मतलब इंडिविजुअल शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखता हो, या 50% से ज़्यादा राइट टू डिविडेंड रखता हो, या 50% से ज़्यादा राइट टू कैपिटल रखता हो, मतलब कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर है अकेला हो के या जॉइंट शेयर होल्डिंग में किसी भी कंपनी के 50% से ज़्यादा के शेयर अपने पास रख रहा है, तो उस इंडिविजुअल शेयर होल्डर को और कंपनी को हम क्या कह रहे होंगे, आपस में एसोसिएट कह रहे होंगे, बिकॉज उसके पास 50% शेयर है, वो तो उसका पूरा बोर्ड कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है भाई ये काम करो, कंपनी करने के लिए बाउंड है, वो 50% का मालिक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल और कंपनी आपस में क्या कहलाएंगे, एसोसिएट कहला रहे होंगे। उसके अलावा दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं, मतलब कंपनी ए और कंपनी बी भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं। कब? जब कंपनी ए के कंपनी बी में 50% या उस ज़्यादा शेयर्स हों, या कंपनी ए के कंपनी बी में राइट टू डिविडेंड 50% ज़्यादा हो, या उसके राइट टू कैपिटल 50% ज़्यादा हो, तो ये दोनों कंपनीज भी आपस में क्या कहलाएंगी, एसोसिएट्स कहला रही होंगी। इसके अलावा अगर किसी कंपनी का किसी एओपी में 50% से ज़्यादा के शेयर होल्डिंग हो, तो वो कंपनी और एओपी भी क्या कहलाएगी, आपस में
एसोसिएट्स के ला रहे हो, तो ये रिलेशन डेवलप करना होता है आपने कि कोई भी एओपी आपस में एसोसिएट्स है, एओपी के मेंबर्स आपस में एसोसिएट हैं, एक मेंबर और एक एओपी आपस में कब एसोसिएट होंगे, जब 50% अलग शेयर होल्डिंग होगी, कंपनी और शेयर होल्डर आपस में कब एसोसिएट होंगे, जब शेयर होल्डर के पास 50% अलग शेयर होल्डिंग होगी, दो कंपनीज आपस में एसोसिएट कब होगी, जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% अलग शेयर होल्डिंग होगी, रेटो डिविडेंड होगा, या कोई कंपनी किसी एओपी की कब एसोसिएट होगी, जब उस एओपी में उसके पास 50% अलग शेयर होगा, तो इसे हम क्या कह रहे होंगे, एसोसिएट कह रहे होंगे। तो ये सिनेरियोज हैं, ये सिनेरियो पेपर में पूछेगा, पेपर में पूछ लेगा बताएं जी एन लिस्ट द सर्कमस्टांसिस इन विच एओपी इज नॉट एन एसोसिएट, बताएं। पेपर में पास्ट पेपर में सवाल आएगा 3 नंबर का, एन लिस्ट द सर्कमस्टांसिस इन विच एओपी इज नॉट एन एसोसिएट। यहाँ हमने बात की है एसोसिएट की, वो कहते हैं नॉट एन एसोसिएट। सिंपल सी बात है कि जब किसी भी एओपी के मेंबर्स के साथ शेयर होल्डिंग 50% से कम है तो वो एसोसिएट नहीं है। कदे कदी बताएं दो कंपनीज आपस में एसोसिएट कब नहीं होती, अगर किसी एक कंपनी के दूसरी कंपनी के पास शेयर्स हैं और वो 50% से कम हैं तो वो आपस में एसोसिएट नहीं कहलाएगी, वो इसका हमेशा रिवर्स पूछ रहा था एग्जामिनर। तो ये कब होगी, जब इन रूल्स को अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे तो वो फिर क्या हो जाएंगी, एसोसिएट नहीं कहलाएंगी। तो ये एसोसिएट्स हैं, ये सिनेरियोस पूछ रहा होता है आपसे। वो ये पूछ लेगा बताएं कि एक इंडिविजुअल और एक कंपनी कब शेयर एसोसिएट हो सकती है, वो आपसे ये पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है बताएं जी एक इंडिविजुअल और एक एओपी कब एसोसिएट नहीं हो सकती, वो ये पूछ सकता है आपसे। तो इस तरह को घुमा रहा होता है, आपने बस उसको अपनी लिखना है अंग्रेजी में कि यार ये क्राइटेरिया है, ये फुलफिल हो गया एसोसिएट है, ये ना हुआ तो वो एसोसिएट नहीं है। ठीक है, यही डेफिनेशन इनकम टैक्स में हम वहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये तमाम एसोसिएट के डेफिनेशन इनकम टैक्स में भी है, हम वहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर कर रहे हैं कॉमन डेफिनेशन है इनकम टैक्स की और सेल्स टैक्स की। ठीक है, क्लियर है, ये इसको रीड कर लें, कोई सवाल है पूछें, फिर आगे चलते हैं, वापस वैल्यू सप्लाई पे आते हैं। वो क्या कह रहा था, ओ भाई क्या कह रहा था, वो नोट्स लेने गए थे ना, क्या कह रहा था, कल आना फिर। अभी हर चीज़ कर लें, ओ अभी तो गाड़ी का तो पहले ये इग्निशन यहाँ से होती है, ये स्विच लगा हुआ है तो पहला गियर लगा रहा है, सब्र कर ले भी, चल रहे सेल डेक्स लगाने के लिए, इसने रोज़ इसकी दिहाड़ी लगती है ना रात को, एक गन पॉइंट पे निकलता आईफोन 14 प्रो मैक्स ले आता है, 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आईफोन ले आता है 4 लाख वाला। कर लेते हैं अभी डिस्कस, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एग्जेम्प्ट हैं। को रीड करें जरा, क्या सीवर पढ़ने में मसला है, इधर अलोन अकेला या किसी दूसरे के साथ मेंबर के साथ मिलके किसी एओपी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रख रहा है, इसे हम कहेंगे कि ये एसोसिएट है, ये ज्वाइंट मेंबर्स होते हैं। जैसे अगर मियां बीवी हैं उनके कंबाइंड शेयर्स जो हैं वो 52% है तो ज्वाइंट मेंबर कहला रहे होंगे, तो वो मियां बीवी और वो एक एओपी आपस में एसोसिएट होंगे, ज्वाइंट मेंबर्स एंड एओपी। ओ यार वो ये लाइन काट दे, ये मैं तुझे कभी काट देता हूँ, ये ले भाई ये ले। ठीक है ये लाइन काट देते हैं, कहानी सिंपल, जिंदगी गुलजार है यार, जो समझ ना आए काट दो, पेपर ही पूरा काट के आ जाओ, नहीं ऐसी बात नहीं है, सेक्शन का रेफरेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है टैक्स में। चलें आगे, पीछे चलना है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन, तो समझ आ गई कि एसोसिएटेड पर्सन किसे कहते हैं, अब क्लियर है।
अब जब एसोसिएटेड पर्सन्स के दरमियान सप्लाई हो रही होगी तो वुड यू बिलीव डैट कि ये फेयर ट्रांजैक्शन करते होंगे? खुद सोचें। नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ ना, चलें आप का सीए हो गया और आपने अपना जी जनरल स्टोर खोल लिया, सीए जनरल स्टोर, तो भाई प्रॉफिट ज़्यादा होता है, आपकी सैलरी से डबल प्रॉफिट निकाल देता आपको एक महीने का। जैसे ये लाहौर में ना वाल्टन मोड़ के ऊपर एक है फाइन स्टोर, उसके डेली सेल्स 80 लाख की है, 80 लाख की सेल्स है उस बंदे की, और आप मजाक उड़ा रहे हैं। सीए जनरल स्टोर, आपकी शादी भी हो गई माशाल्लाह, पहले सीए करा लो उसका। अब इसकी उनके पापा आ गए और उनने कॉल की कि पापा आ रहे हैं स्टोर पे, उनको ये चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर दें, ये बंदा पैसे लेगा? ये अगर जिस दिन पैसे लेगा ना, हम सारे पहुंचे होंगे इलामा इकबाल हॉस्पिटल इसका पता लेना के लिए। क्यों? इसमें हिम्मत ही नहीं होनी कि बीइंग एन एसोसिएटेड पर्सन से पैसे ले ले, बल्कि ये चीज़ भी देगा, ये पैसे भी देगा, ये पिक एंड ड्रॉप भी देगा और ये आशीर्वाद भी लेके आएगा उनसे, तो ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब जहाँ पे भी एसोसिएटेड पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन फिर नहीं हो रही होती। आप उनको बेनिफिट देने के लिए, आप उनको फेवर देने के लिए ये अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे होते हैं, प्राइस सस्ती दे रहे होते हैं। अगर ये काम हो तो फिर टैक्स का नुकसान होगा। कहते ताड़ी ऐसी की जैसी, पापा होंगे तुम्हारे हमारे नहीं लगते। वो कहते हैं कैसे होगी? कहते हैं बेशक एसोसिएटेड पर्सन है, आपकी जो वैल्यू है वही होगी जो ओपन मार्केट प्राइस है या नॉर्मल सिनेरियो में है। आप बेशक उन्हें फ्री में दें, आप बेशक उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पे दें, जैसे मर्जी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, हम आपसे टैक्स किसके ऊपर लेंगे? नॉर्मल प्राइस के ऊपर टैक्स ले रहे होंगे या जो ओपन मार्केट प्राइस होगी हम उस पर टैक्स लेंगे। आपने वो चीज़ फ्री में दे दी है अपने पर्सन को, लेकिन टैक्स पर लेंगे, हाँ भाई कहाँ चीज़ गई है जी, मैंने इसको दी है, कौन है ये? मेरा रिश्तेदार है, ठीक है कोई मसला नहीं है, हम आपसे टैक्स पूरा लेके जा रहे होंगे। तो ये रिमेंबर, बेशक सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन ही क्यों ना हो, टैक्स हमेशा किसके ऊपर लगेगा? जो नॉर्मल केस है या जो ओपन मार्केट प्राइस है उसके ऊपर ही टैक्स गवर्नमेंट ले रही होती है, गवर्नमेंट आपको माफ़ नहीं कर रही होती। ये चीज़ याद है, पेपर में ये भी पॉइंट टेस्टेड नहीं है। पेपर में वो आपको गिवन कर देगा 5-6 एडजस्टमेंट्स हैं, उसमें उसने एक एडजस्टमेंट गिवन कर दी है कि आपने इस बंदे को इतने लाख रुपए की गुड सप्लाई की है और ये बंदा आपका एसोसिएट था, कंपनी का मेंबर था या डायरेक्टर था, उसने इसमें बात गिवन कर देनी है, कहना जी इसकी नॉर्मल प्राइस इतनी थी, आपने इतने की सेल्स कर दी है, तो अब टैक्स किस पे लगाना है? तो उसको खुदा के लिए डिस्काउंट ना अज्यूम कर लेना। अगर उसने पेपर में एसोसिएटेड वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, इसको डिस्काउंट ना अज्यूम कर लेना। आप कहें जी मुझे लग रहा है कि ये डिस्काउंटेड सेल्स हैं, इनवाइस मेंशन है, उसने ये नहीं बताया होगा। जहाँ पे डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट का मेंशन करेगा, और जहाँ पे सेल्स बिटवीन होगी पर्सन एसोसिएटेड वो मेंशन करेगा। अगर सेल्स बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन है तो फिर आप क्या लेंगे? आप ओपन मार्केट प्राइस या नॉर्मल जो केस में होती है वही क्या बनेगी? आपकी वैल्यू सप्लाई बन रही होगी, ठीक है। अजम्पशन ना ले लीजिएगा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डिस्काउंटेड सेल्स कर दी हैं और डिस्काउंट की तमाम कंडीशन फुलफिल है। अगर पेपर में उसने एसोसिएट का वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो आपने इस रूल पे चले जाना है, डिस्काउंट अप्लाई ना कीजिएगा। ये गलती आप लोगों ने कर देनी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपने एक बंदे को सेल्स की हैं और आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है वो 1.2 मिलियन की है और आप उसको सेल कर रहे हैं 8 लाख रुपये की, तो आप में से 99% ने क्या करना है? इसको डिस्काउंट अज्यूम करना है, वो दो कंडीशन फुलफिल करनी है और आप उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। ये ठीक ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर उसने बता दिया कि ये एसोसिएटेड पर्सन में सेल्स हो रही है, फिर आप डिस्काउंट अप्लाई नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? आप नॉर्मल ट्रीटमेंट में ही लेके चल रहे होंगे। तो ये वाला पॉइंट मुझे न्यूमेरिकल्स में याद करवाइएगा, मैं आपको ना सीफेप के एक एडजस्टमेंट करवाऊंगा, उसमें डिस्काउंट और एसोसिएट्स इकट्ठे बीच में आए हुए हैं, तो हम उसको देख लें कैसे डील करते कैसे डील नहीं करते। बट ये चीज़ आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। तीसरी ले आते हैं, पेपर में वो आप अजम्पशन करेगा कि डिस्काउंट की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, बता देगा, कह देगा फॉर एग्जांपल डिस्काउंट आपका 10% है, अब 12 लाख का दें, 10% कितना बनता है? 1,20,000, आपने कितना डिस्काउंट दिया हुआ है? 4 लाख का, तो ये डिस्काउंट कंडीशन फुलफिल यहाँ पे भी नहीं हो रही होगी। तो इस तरह की चीज़ें वो गिवन करेगा। उसके बाद है थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, इसको सिर्फ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी जाके हम पूरा इसका वो पढ़ेंगे स्केड्यूल। ये है आपकी रिटेल आइटम्स,
ये जो आप नॉर्मल गुड्स वगैरह परचेज कर रहे होते हैं ना, इसकी वैल्यू सप्लाई क्या होती है कि जो आपने गुड्स बनाई, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो FED पे की है, जो कस्टम वगैरह पे की है, वही क्या होती है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। इसके बारे में ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी होती है रिटेल आइटम्स, उसमें वैल्यू सप्लाई क्या है कि जो वैल्यू आपको पड़ रही है, जिस पे कॉस्ट आपकी आ रही है, या जो आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं उसके ऊपर, ठीक है। अभी हम जाके इसकी सारी डिटेल्स पढ़ते हैं कैसे डिटर्मिन होती है, और ये डिटर्मिन कौन कर रहा होता है, ये हमेशा मैन्युफैक्चरर डिटर्मिन कर रहा होता है। जिसने गुड्स को बनाया है हमेशा वही डिटर्मिन करता है कि इसकी कीमत क्या होगी, क्या नहीं होगी। अभी हम जाके स्केड्यूल शुरू करते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल बताएंगे किस तरह प्राइस होती है, किस तरह प्राइस नहीं होती। उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे अगर उनको लग रहा है कि आपने उसकी वैल्यू सही डिटर्मिन नहीं की, पाकिस्तान में क्या टोयोटा की मार्केट है? नो किसने कहे? वो इट पुट टोयोटा निकल दी यार, इतनी करोला GLA रुल रही है इस मुल्क में, वापस की मार्केट नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं कि इन पैरेलल यूनिवर्स रह रहे हैं हम, तो टोयोटा की तो मार्केट है, लेकिन क्या यहाँ पर टेस्ला की मार्केट है? एक बंदा टेस्ला ले गया कि टेस्ला 1 लाख रुपए की है, वुड यू बिलीव डैट? नहीं होगा ना। तो इस तरह के कोई लोकल सब्सटीट्यूट्स जिनके नहीं होते बड़ी प्लांट में, बड़ी मशीनरी में, या आपकी कंज्यूमेबल गुड्स के जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी यहाँ पर मार्केट नहीं है, तो फिर क्या कर रहे होते हैं लोग, अंडर इन्वॉइसिंग कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं टैक्स से बचने के लिए, टैक्स कम पे करने के लिए क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। अब होता क्या है, बिकॉज नॉर्मली ये ना गुड्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जब आप गुड्स इंपोर्ट करेंगे आप जितनी वैल्यू बताएंगे उस वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपने कहा ये मेरी गुड्स 1 लाख रुपये की हैं, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख की हैं, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, अगर चीज़ 5 लाख की है कितनी, ये तो 50,000 रुपये की है, ताकि हम क्या कर लें, हम टैक्स इन्वेड कर लें, टैक्स चोरी कर लें। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो फिर क्या करते हैं, फिर ये कहते हैं तो हमें बताते हैं, टैक्स वाले क्या करते हैं, वो आपकी एक वैल्यूएशन कमेटी बिठाते हैं जिसमें आपकी ट्रेड के और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स बैठे होते हैं, वो उस प्रोडक्ट को, वो उस एसेट्स को इवेल्यूएट करते हैं, और इवेल्यूएट करने के बाद वो जो मार्केट प्राइस डिटर्मिन कर देंगे वो आपकी वैल्यू सप्लाई होगी, और उसके ऊपर टैक्स क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। जैसे जितनी ये हैवी मशीनरी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जो प्लांट वगैरह इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इनका यहाँ पे लोकल सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये हाइड्रोलिक मशीन से बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनके यहाँ पे मार्केट ही नहीं है। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि उसकी कीमत क्या है क्या नहीं है? तो आपने जो कागज़ पर लिख दी, कस्टम को बता दी, कस्टम तो मानेगा और टैक्स वही ले लेगा। फिर कहते हैं नहीं, यहाँ पे क्योंकि आप चोरी वगैरह करेंगे, फिर वो क्या करते हैं, वो कमेटी बिठाते हैं, फिर जो कमेटी उस एसेट की या उस प्रोडक्ट्स की वैल्यू डिटर्मिन करता है, वही क्या होती है, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होती है। तो यहाँ पे वो है कि अगर अंडर इन्वॉइसिंग है, या डिपार्टमेंट को बिलीव हो रहा है कि आप वैल्यू सही नहीं बता रहे अपनी चीज़ों की, अपने एसेट्स की, तो फिर कमेटी आती है। नॉर्मली ये बड़े एसेट्स में होता है, जिसमें प्लांट हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, ये उसमें हो रहा होता है, या कोई भी ऐसे छोटे एसेट्स जिनका लोकल सब्स्टिट्यूट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या होती है, हमारी वैल्यूएशन कमेटी बैठती है, आके वो डिटर्मिन करती है प्राइस। उसके बाद ये है टॉल मैन्युफैक्चरिंग, जो हम नहीं, हाँ ये है टॉल मैन्युफैक्चरिंग। टॉल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी और के बिहाफ पे गुड्स वगैरह बना के दे रहे हैं, जो हमने कल एग्जांपल पढ़ी थी कि आपके तो भाई प्रेस लगा हुआ है, आपके पास किताब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेपर पकड़ते हैं बना के दे देते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, सिंपल जो आपने अमाउंट चार्ज की होगी, जो आपने बिल चार्ज किया होगा ना कि ये किताब पब्लिश करने की कॉस्ट 2 लाख रुपये, वो 2 लाख रुपया क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ प्राइस होगी। जिस समय मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये अपने लॉन जो होती है वो प्रिंट कहीं और से करवाती है। जैसे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री का नाम है सिलिको डाइंग, सिलिको टेक्सटाइल लिमिटेड है, इधर ही प्राइवेट लिमिटेड है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट में, उसके पास आपके मुल्क की बड़ी बड़ी ब्रांड से कपड़ा आता है, बड़ी बड़ी ब्रांड लाइक कैजरिया, गुल अहमद, ये वो उसको प्रिंट करते हैं, वापस भेज देते हैं, और वो गुल अहमद वगैरह बेच रहे होते हैं। अब वो जब उनको वाइट कपड़ा पकड़ते हैं, डाई करते हैं, और अपनी कॉस्ट चार्ज करते हैं, जी इस कपड़ा डाई करने की इतनी हमारी कॉस्ट है, ये इतने आपका बिल है, वो जो बिल दे रहे होते हैं उनकी क्या होती है, वैल्यू सप्लाई होती है, और उसके ऊपर वो क्या कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। तो टॉल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इस तरह से सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं।
उसके बाद ये दो पॉइंट जो हैं ये आपके घरों से रिलेट कर रहे हैं। आप अपने घर जाइएगा, बिजली का बिल पकड़िएगा, गैस का बिल पकड़िएगा, देखिएगा उस पर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होता है। कभी देखा है आपने बिल? आज जाके लाजमी अपना बिल देखिएगा कि आपके बिल के ऊपर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट किस तरह चार्ज करती है। सबसे पहले है कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं। अच्छा, ये वाले दोनों पॉइंट ना आपने इनको याद नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है। इनको एक दफ़ा रीड करके डैट विल बी इनफ, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनियाँ आपने PPP मंगवाई हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, जैसे निषाद चूनिया हो गया, मंशा के हो गए हैं, ये बिजली बना के दे रहे हैं। जब ये बिजली बना के देंगे तो बिजली एक कमोडिटी है, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? सेल्स टैक्स चार्ज करती है इन लोगों से भी, लेकिन किसके ऊपर? जो इनकी सिर्फ एनर्जी परचेज प्राइस होगी, जिस कीमत पे हुकूमत इनसे बिजली ख़रीद रही है ना, सिर्फ उस कीमत पे क्या किया जाएगा? इनसे सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। जो इनको प्राइस प्रीमियम, बोनस, इस तरह सप्लीमेंट वगैरह मिल रहे होते हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो ये कंपनीज़ के लिए है जो बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है बिजली वगैरह। और दूसरा है, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी या गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जैसे SNGPL हो गया, LESCO हो गई है, ISCO हो गई, इस तरह के इदारे जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनसे हम ले रहे हैं बिजली, LESCO हमें बिजली दे रहे हैं ना, हमें बिजली का बिल भेजता है। जब वो हमें बिजली का बिल भेजता है तो उसमें सेल्स टैक्स शामिल होता है। अब वो सेल्स टैक्स शामिल करता है कि टोटल अमाउंट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो उस पर जो रेंट होते हैं, जो सरचार्जेस वगैरह होते हैं, जो PTV फीस एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं, वो डाल के तमाम फेडरल लोकल ड्यूटीज़, नीलम जिलम सरचार्ज, सब कुछ डाल के जो एंड पे अमाउंट आती है, उस पर क्या किया होता है? सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। इवन लेट सरचार्ज, लेट ड्यूटीज़, सब का सम कर लेंगे और उस पर क्या कर रहे होंगे? एंड के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो कभी भी अपना बिल पकड़िएगा, जो सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा ना, वो तमाम ड्यूटीज़, एनर्जी कॉस्ट, सब कुछ करने कराने के बाद किया होगा। मतलब कि मैं बताऊँ, अगर सब्सिडी है ना बिल के ऊपर, तो वो बीच में इंक्लूड नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बिल बना है 4,000 रुपया, तो ये क्या करेंगे? अगर 4,000 बिल है ना, तो इसके ऊपर GST लगा देंगे, आपको GST बीच में आ रहेगा, आपका जो बिल है वो 45% तक पहुँचा दिया होगा। अगर आपका बिल बना है 4,000 रुपया और आपको हुकूमत ने ऐवी सब्सिडी दे दी, पागल हो गई थी, तो उसने आपकी एनर्जी प्राइस कितनी कर दी? 3800। ये इस पर टैक्स लगाएंगे, ये इसको इग्नोर कर देते हैं सब्सिडी को, इतने तेज़ हैं ये, आवाम को लूट रहे हैं ना, तो सब्सिडी को इग्नोर कर देते हैं। जो टोटल प्राइस बनी होती है उस पर टैक्स लगा के आपके बिल में टैक्स डाला होता है इन्होंने। तो अभी जाइएगा अपने घरों में, गैस का बिल पकड़िएगा, बिजली का बिल पकड़िएगा, देखिएगा कि उसमें सेल्स टैक्स आपसे इस तरह से चार्ज किया जा रहा होता है, ठीक है? तो ये आपको भी इसको दोनों रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है कि आप यूज्ड व्हीकल परचेज कर रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आप उसको फिर बेच रहे हैं। मतलब आपने मेहरान परचेज़ की, उसमें रॉकेट इंजन लगाया और आपने कहा हम तो विंड डीजल है हमारी, अब F-15 आ रही है, तो आपने बेच दी है। तो अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर आपने जो सेल प्राइस और जो परचेज प्राइस का डिफरेंस होगा, वो क्या होगी? आपकी वैल्यू सप्लाई होगी। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, आपने एक ओल्ड गाड़ी ली, वो थी 5 लाख की, ये परचेज प्राइस कितनी है इसकी? 5 लाख की है। आपने वैल्यू एडिशन किया, आपने उसको रंग वगैरह करवा दिया, उसका इंजन स्वैप करवा दिया, मॉडिफिकेशन जो भी इसी करवा के आपने कितने का बेच दिया? 8 लाख का बेच दिया। डिफरेंस कितना कमाया आपने? 3 लाख। ये क्या है? वैल्यू सप्लाई। इसके ऊपर क्या किया जाएगा? सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। ये इन्होंने अभी तक कहा है, लेकिन इस पर भी सेल्स टैक्स ले नहीं पा रहे। ये पिछले 4 साल से रूल है, अभी तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं निकलवा पाई। जितने भी इंडस्ट्रियल डीलर है ना, डीलर्स बैठे हुए हैं, नहीं निकलवा पाए टैक्स। अगर ये टैक्स लगा देना इसके ऊपर, तो आपकी कार की मार्केट बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये ऑन शॉन, ये जितनी भी है आपकी ओवर प्राइसिंग में ख़त्म हो जाएगी मार्केट, लेकिन नहीं टैक्स लगवा पा रहे। क्योंकि ना वो 10 लाख की मेहरान, जो 6 लाख की मेहरान थी, वहाँ 10 लाख की बिक रही है डिप्रिशिएट होने के बाद। ये सबसे घटिया मार्केट जो है हमारी पाकिस्तान की, ये कार्स की मार्केट है। लाइक अभी मैं रिसेंट दुबई से होके आया हूँ ना, तो वहाँ की मार्केट में यहाँ की मुझे बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे आपको 17,000 दिरहम में आपको मिल जाता है लैंड क्रूज़र, जो इक्वलेंट टू बनता है 40 लाख। क्योंकि ओल्ड होता है तो वो हर साल उसकी 10% चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, कॉस्ट रिड्यूस कर रहे होते हैं, चल गया है
गवर्नमेंट भी रिड्यूस कर रही होती है। यहाँ पे 2003 का जो है ना लैंड क्रूजर, वो आज भी 4 करोड़ का है। मैं कहा यार ये सही है, मतलब वहाँ पे 2018 का लैंड क्रूजर उनकी करेंसी में 40 लाख का है, यहाँ हमारे मुल्क में 3 वाला लैंड क्रूजर जो है वो 4 करोड़ का है। तो सबसे घटिया मार्केट हमारे मुल्क में ये व्हीकल्स की है, ख़ास तौर पर यूज व्हीकल्स की। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू सप्लाई एंड होती है। जितने हमने सिनेरियो डिस्कस किए हैं इसमें से कोई किसी को सवाल है, अब वो उसने पूछना है तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ का जवाब क्या क्या होगा। वैल्यू सप्लाई क्या है, डिस्काउंट के रूल्स ये हैं, उसके बाद हर सिनेरियो में किस तरह डिटर्मिन होगी, ये सिनेरियो क्या करने होंगे, आपने अप्लाई करने होंगे, ये आपकी क्या है वैल्यू सप्लाई। इसमें क्वेश्चन है तो बताएं, वरना अब हम आगे मूव करें। कॉटन इंडस्ट्री जो कल मैंने छोड़ दी थी, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल सेल्स टैक्स में जितना इसको रगड़ते हैं किसी को नहीं रगड़ते। मैं मज़े की बात बताऊँ, जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, ये चेंज हो गई हुई है। अब जो आपके बाद वाली पीढ़ी आएगी, मतलब अगली अटेम्प्ट के लिए, वो ये नहीं पढ़ रहे होंगे डेफिनेशन, वो नहीं पढ़ रहे होंगे। आप की लक अच्छी है बिकॉज आप लोगों का ये टैक्स का ना एक असूल होता है, या आई कैप का एक असूल है कि जब भी आपका सिलेबस चेंज होता है ना, तो आपके एग्ज़ाम डेट से एग्जैक्ट 3 माह पहले तक के जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। चूँकि आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं मार्च में, सॉरी 5 माह तक की होती हैं, हाँ 5 माह तक की, तो जो 7 नवंबर तक की अमेंडमेंट्स आई थी ना, 7 नवंबर तक जो टैक्स में चेंजेस आई थी, वो सारी ऐप के लिए एप्लीकेबल है। ये चेंज हुई है 10 नवंबर को, जो गवर्नमेंट ने SRO दिया ना वो दिया 10 नवंबर को, तो आप बच गए हैं। अब जो आपके बाद वाले आएंगे वो ये नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने पूछ लेनी है आप लोगों से पेपर में कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब, कॉटेज का मतलब होता है घर। कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू सनत पाकिस्तान की इंडस्ट्री किसे हम बैकबोन कह सकते हैं, जितने छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैं, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कह रहे होते हैं। देखिए जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको सेल्स टैक्स ने एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहा है उसको हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, ना उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या है। सबसे पहली बात कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। और हमने कल पढ़ लिया था मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, वो हमने कल यहाँ पर देखा था, ये तमाम मैन्युफैक्चरिंग है। इन तमाम प्रोसीजर्स में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, जो हमने कल डिस्कस किए थे, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है नंबर वन। और इसके लिए अगर ये तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, ये सारी की सारी कंडीशंस अगर फुलफ़िल कर रहा है, तो हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे कॉटेज इंडस्ट्री मानेंगे। कौन सी हैं, पहली कंडीशन है इसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कि डोमेस्टिक मीटर अलग होते हैं, डोमेस्टिक कनेक्शंस अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल मीटर अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस जो हैं वो अलग होते हैं। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन या इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, ये कहाँ पर लोकेट कर रही है, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेट कर रही है, आपके जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ये लोकेट नहीं कर रही। तीसरा, इसकी टोटल लेबर फोर्स कभी भी 10 से ऊपर नहीं जाएगी, टोटल जो वर्कर्स हैं वो 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। और जो इसका एनुअल टर्नओवर है, आप कह सकते हैं टर्नओवर को अभी एनुअल सेल्स, जो इसकी एनुअल सेल्स है ना, सालाना सेल्स, वो मैक्सिमम कितनी होंगी, 10 मिलियन 1 करोड़। मतलब अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री ऐसी है जिसके पास कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है, ना गैस का ना बिजली का, और वो रिहायशी इलाकों में लोकेट कर रही है, उसकी लेबर्स की तादाद 10 से ऊपर नहीं जाती, और उसका सालाना जो टर्नओवर है, टोटल सेल्स जो साल की हैं, वो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ऊपर नहीं गई,
तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। और जो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करती है उसको एग्जेम्प्ट है, उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखा होगा आपने अक्सर एक घरों में बेकरीज बनी होती हैं एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये सारी की सारी इसमें फॉल कर रही होती हैं। ये जो आप बड़े बड़े समोसे खा रहे होते हैं, छोटे छोटे समोसे जो उनकी वो पट्टियाँ वगैरह बनती हैं, वो लोग घरों में बना के दे रहे होते हैं। काश आप लोग को देख लें कैसे बन रही होती है, बिकॉज मैंने देखी हुई है। हाँ हाँ, जो केक रस वगैरह खा रहे होते हैं ये लोग घरों में बना रहे हैं, काश आप लोग वो भी देखें कैसे बन रहे होते हैं, आपको सुकून ज़िंदगी का मिलेगा। जैसे मैंने खुद देखा हुआ है कि जो समोसा पट्टी होती है ना, वो अगला बंदा पाँव से गूंज रहा था, उसके बाद नहीं खाए कभी भी। आई वॉज इन गुजरांवाला, तो वहाँ पर हम गए हुए थे काम से, ऐसे फिरते फिरते ना गली से गुजरे तो कहते यहाँ से सारी बेकरी आइटम्स बनती हैं। मैंने कहा ठीक है बनती हैं बेकरी आइटम्स, चल देख लेते हैं कैसे बनती हैं कैसे नहीं बनती। तो हम एक फैक्ट्री में एंटर हुए, दोस्त के किसी जानने वाले की थी, स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी है, मशीनें लगी हुई हैं, मशीन में आटा गूंज रहा है, ठीक है। हम गलती से हो गए पीछे, फिर दिल ख़राब हुआ। अच्छा मज़े की बात है, हम उसी की दुकान से समोसे भी खा के आ रहे थे, वही वाले। अच्छी खासी ज़िंदगी हमारी गुजार हो चुकी है। तो ये आपको लगेगा पता कॉटेज इंडस्ट्री हमारे मुल्क में क्या होती है। तो यहाँ पे हमारी सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस जो हैं वो होती हैं ख़त्म। टॉल मैन्युफैक्चरिंग भी कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है, अगर आपने घर में कोई प्लांट लगाया होगा, अगर घर में प्रेस लगाया होगा तो। यार देख, अगर आपने घर में दुपट्टे डाई करने वाला प्लांट लगा लिया, लग सकता है। आपने घर में लगाया हुआ है, ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे आजकल ये शॉपर शॉपिंग बैग्स बन रहे होते हैं, घरों में लोग बना रहे हैं, बड़े डेंजरस हैं वैसे। वो घर में प्लांट लेके आते हैं, लगाते हैं, बना रहे होते हैं। ये जो कढ़ाई वाला काम होता है, वो एक मशीन लेके आते हैं बड़ी सारी, घर में डालते हैं, लोकल मीटर पर लगाए काम कर रहे हैं, वो दो बंदे रखे हुए हैं। तो टॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग भी होते हैं और ये कॉटन इंडस्ट्री भी फॉल कर रहे होते हैं। अब वो कपड़ा इनका नहीं होता, वो कपड़ा किसी और कंपनी का लेके आते हैं, उसे कढ़ाई करते हैं, मशीन पे दे आते हैं। तो ये कॉटन इंडस्ट्री में फॉल कर रहे होते हैं फिर ये, क्योंकि उनके पास जो बिजली का कनेक्शन है वो डोमेस्टिक होता है, घरों वाले मीटर पे पूरा पूरा प्लांट लगाया होता है, तो इसमें फॉल कर रहे होते हैं। आगे चलें, अब जो खोलना था वो खोला नहीं, जो नहीं खोलना वो खोल गया। जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था ये हमारा सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स को हमने 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था और हमने कहा था कि ये वाला कर लो, ये कर लो, ये आपका 100% हो जाता है। तो इन दोनों करने से ये भी हमारा हो जाएगा, तो ये तीनों मिला के अराउंड 24 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाते हैं। और हमारा थर्ड डे है ना, और हमारा ये 100% जो है वो डन हो गया। बताएं जिसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है, पहले मैं आपको ना एक कैपी किताब से दिखाता हूँ। ये क्या भी किताब है जिसको आप लोगों ने बड़ा अजीम वाला रुतबा अता किया हुआ है। ये देखिए, अभी हमने पढ़ी है वैल्यू सप्लाई, ठीक है। हमने कैसे पढ़ी है, ये कैसे लिखी है, ज़रा देखें ऐसे, फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो हमने पढ़ी है। ये मैं दिखाता हूँ, ये है वैल्यू सप्लाई आई कैप की, और ये देखिए ना कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है जाके। और हमने कैसे की है मैं वो भी दिखा देता हूँ, और कैसे गई है हम ये। अच्छा
नोट्स लेने गई हुई है। ये हमने की है, जो उसने आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा गुलजार बनाई हुई थी ना, ये आपके सामने, और हमने जब इसको सॉर्ट कर दिया तो किस किस सिनेरियो में किस तरह डिटरमिन होती है, ये आप इसको यहाँ से पढ़ लें और आप इसको यहाँ से पढ़ लें, 100% सेम है, लेकिन ये जो चीज़ है ये डूएबल है, यहाँ में पढ़ के आपसे नहीं हो पानी थी। इसको देख के लोग कहते हैं कि टेक्स्ट मुश्किल है, टेक्स्ट मुश्किल नहीं है। अब हमारा ये चैप्टर नंबर जो है था अराउंड चैप्टर नंबर 17, कहते हैं चार तीन चैप्टर कैसे होंगे, 17 हो चुका होगा, मुश्किल था। अब इसी चैप्टर को आप यहाँ से पढ़े ना, आपको लग जाना पता कि मुश्किल है था कि नहीं था। तो अब हम चलते हैं इसको अब पार लगाने के सीन में, क्या है और कैसे नहीं है। तो हमारा ये डेफिनेशंस जो हैं ये हमारी 100% डन हो गई हैं, और अगर किसी को तसल्ली पूरी करनी है तो चैप्टर नंबर 17 हमारा हो गया होगा, दो चैप्टर रह गए। अब इसके साथ हम क्या करने लगे हैं, ये शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ ही क्या हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज़ ये दो एरियाज अगर आप कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 100% हो जाते हैं। लाइक एज ऑन थर्सडे आप लोगों को स्टाम्प पेपर लिख देने पड़ रहे थे कि टैक्स का पेपर डूएबल है और हो जाएगा, आज वेडनेसडे है, अभी दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपका हो गया है। जो चैप्टर नंबर 17 है, आप किसी भी दोस्त से जाके पूछें यार ये वैल्यू सप्लाई कैसे की है आपने, कहेगा नहीं की, मेरे से हुई नहीं है, मैंने छोड़ दी है, मैंने बस 3-4-5 रटे भी मारे हैं, बाकी मैंने छोड़ दी है। आप बताएं आपसे हुई है, बताएं। तो टैक्स डूएबल पेपर है, मान लें ये 40 दिन में पास होने वाला पेपर है, ये 30 दिन में ही पास होने वाला पेपर है, बस डेडिकेशन आपने शो करनी होती है, पेपर आपका पास हो जाता है, और पेपर देना भी होता है फिर पास होता है। ये सही है वैसे, पेपर ना दोगे ना फेल होगा। अब हम मूव करते हैं, जो सबसे मेन रूल है वो है प्रोविजन एंड रूल्स के मुताबिक। यहाँ पे तमाम हमने रूल्स देखने हैं कि हमारा सेल्स टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से हमारा सेल्स टैक्स चलता है, वो तमाम चीज़ें अब हम यहाँ पे करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली सेल्स टैक्स किस तरह चलेगा वो अब हमने यहाँ पे सीखना शुरू करना है। तो यहाँ से हमारे साथ साथ न्यूमेरिकल्स की बेस भी चलती जाएगी, और लाइक आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को हमारा ये कंप्लीट हुआ होगा, और चलें मैं एक दिन एक्सटेंड करके सैटरडे कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स अपने कर रहे होंगे। तो इस वीकेंड तक लाइक आप अज्यूम कर लें कि आपका सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, और कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, एक एक लाइन करवाइए, एक एक लाइन करवाइए, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अब सेल्स टैक्स में जो हमने चीज़ सीखनी है वो है कि सेल्स टैक्स कैलकुलेट किस तरह होता है, सेल्स टैक्स पे किस तरह होता है, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर सीखना है। अब इसमें क्या होता है, हम सेल्स करते हैं, ठीक है, जो सेल्स करेंगे उसकी हम वैल्यू लेंगे, हमारे पास रेट गिवन होता है, और हम क्या लेते हैं फिर, टैक्स ले रहे होते हैं। ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी है, डिटरमिन करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की हैं 3 लाख की, रेट क्या होगा, 17%, टैक्स कितना आएगा, 21%। ये आपका क्या आ गया, टैक्स आ गया। आपने परचेजेस भी की होंगी, वो आपने की हैं 2 लाख की, 17% टैक्स पे किया होगा, 34,000। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाँ आउटपुट टैक्स, इसे क्या कहते हैं,
आउटपुट से इनपुट लेस करना होता है कि ऐड करना होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मुबारक हो, ये हमारी क्या है, ये हमने अब क्या करना है, अब हमने ये चीज़ सीखनी है कि ये जो आउटपुट टैक्स है, कहने को बड़ा आसान है लेकिन किस तरह से कैलकुलेट होगा, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो हमने सीखनी है। ये इनपुट टैक्स जो लेस करना है, ये रूल्स क्या हैं, ये रेगुलेशन क्या है, वो हमने यहाँ पे सीखनी है। अगर ये माइनस करना है, माइनस किस तरह से करेंगे, वो हमने सीखना है। तो हमारा सेल्स टैक्स क्या हो रहा है कंप्यूटर, तो प्रैक्टिकली जो सेल्स टैक्स है ना, वो हम यहाँ पे सीखने लगे हैं। रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे ऐड करना है, कैसे लेस करना है, वो तमाम चीज़ें हमने अब क्या करनी है, यहाँ पे सीखना शुरू करनी है। ठीक है, तो जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। इवन थोड़ी सी नॉलेज अगर आपको फर्दर कोई 10% नॉलेज और मिल जाए पोर्टल की, तो आप प्रैक्टिकली सेल्स टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेल्स टैक्स की रिटर्न भी इसके बाद फाइल कर सकते हैं, जो मैं नहीं बताऊँगा। यार 10,000 मिलता है एक महीने का एक रिटर्न फाइल करने का, तो मैं बता दूँ, मैं एक रिटर्न फाइल करने का जो आपने जाना एक दिन के लिए है। मैं पागल हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूँ, मैं बेरोज़गार हुआ हूँ, मैं अकेला 10,000 जो ले रहा हूँ, तो मैं 5,000 लूँ, नहीं नहीं मैं अपनी टीम बिल्ड कर लूँगा। तो आपकी जब नॉलेज कर रहे हैं ना, अगर मुझे टाइम मिला सेशन एंड के ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टल खोल के कि इस तरह से हम रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं। आई ट्राई, मतलब अगर ना भी हुआ तो पेपर के बाद आइएगा, मैं आपको 2 दिन में रिटर्न कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, क्योंकि यही नॉलेज जो है सारी अप्लाई होती है, ख़ासतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसके ऊपर। वो तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, जो आप कैफ में पढ़ रहे हैं उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप 70% रिटर्न फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के पाकिस्तान में। 500 रुपया लेंगे रिटर्न फाइल कर देंगे और हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अब ये सेल्स टैक्स की दुनिया ना बड़ी अजीब है। सेल्स टैक्स की दुनिया को हमने 2 जोन्स में डिवाइड किया है, एक टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्ट है। पूरा सेल्स टैक्स जो है हमने टैक्सेबल में और एग्जेम्प्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, सवाल एक है, क्या एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? अगर एग्जेम्प्ट है कहानी ख़त्म हो जाएगी, कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्सेबल है तो कहानी चलेगी, उसके ऊपर क्या होगा, सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। तो सेल्स टैक्स की 2 जोन हम बना लेते हैं, ऐसे डिवीजन किताबों में नहीं है। ये उसका जोन है, ये है इसका, ये डील कर रहा है एग्जेम्प्ट गुड से। एग्जेम्प्ट कोई किसी किस्म का टैक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो सारा सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, ये सिनेरियो था टैक्सेबल गुड्स का, ये किसका था, टैक्सेबल गुड्स का था। आपने जो चीज़ खरीदी उसके ऊपर भी टैक्स था, आपने जो चीज़ बेची उसके ऊपर भी क्या था, टैक्स था। ये टैक्सेबल सिनेरियो है, आपकी बेचने वाली चीज़ टैक्सेबल, खरीदने वाली चीज़ टैक्सेबल, आपके पास क्या आ गई है, टैक्स लाइबिलिटी आ गई है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, चीज़ें एग्जेम्प्ट है। हमारे मुल्क में काफ़ी कुछ एग्जेम्प्ट है, जितनी आपके डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से मेजोरिटी हमारी क्या है, एग्जेम्प्ट है। आटा एग्जेम्प्ट है, चीनी एग्जेम्प्ट है, दूध एग्जेम्प्ट है, आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं। तो एग्जेम्प्ट में अब हमने क्या देखना होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, आपने वो चीज़ सेल की 1,00,000 रुपये की, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स है था 17% टैक्स आपने पे की कस्टमर से लिया, वो कितना आ गया, 17,000 आ गया। आपने वो चीज़ परचेज की हुई थी 50,000 रुपये की, आपने टैक्स पे किया था, वो कितना आपने पे किया होगा, 8,500 पे किया होगा। आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, 8,500 आ गई। ये है आम जिंदगी, हैप्पी लाइफ, लेकिन ज़िंदगी हैप्पी तो होती नहीं है। आपने एक चीज़ परचेज की 50,000 रुपये की, जब आप परचेज करके आए टैक्स कितना पे किया, 8,500 का, ये आपका था इनपुट टैक्स। आपने उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की है, जो भी प्रोडक्ट बना दिया, जब आपने उसको बेचा, आपने उसकी सेल की, आपने वो सेल तो कर दी 1,00,000 रुपये की, लेकिन वो उस तरह का प्रोडक्ट बन गया जिस पर टैक्स ही नहीं है। पॉसिबल है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं,
आपने क्या कर दिया, उसको एग्जेम्प्ट में फॉल कर दिया, ये एनर्जी सेवर एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन आप इनका ग्लास इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे होंगे आप, जब आप इनकी चिप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर टैक्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये बल्ब बना के बेचेंगे इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। चीज़ खरीदी, टैक्स पे किया है, जब चीज़ बेच रहे हैं हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब कोई टैक्स नहीं है, तो कस्टमर को जब आप चीज़ बेचेंगे उससे कोई टैक्स लेंगे नहीं लेंगे, तो अब आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी क्या आ रही होगी, क्या आ रही होगी, जीरो कैसे आएगी, जीरो कैसे आएगी। मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे, एक चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मैं उसमें से कोई चीज़ लेस करवा सकता हूँ, तो ज़ीरो नहीं आएगी, टैक्स लाइबिलिटीज़ की है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो इसने ये इनपुट टैक्स पे किया होगा इसको कुछ नहीं कर सकता, ये इसका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो हम एडजस्टमेंट करें ना ये वाली, ये इनपुट टैक्स क्लेम कहलाता है, जो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स को क्लेम करना कहते हैं, कि हमने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया, जिसने 8500 पे किया था किस में से एडजस्ट किया, कोई है चीज़ एडजस्टमेंट वाली, कोई चीज़ नहीं है एडजस्टमेंट वाली, तो इसे क्या मिलेगा, इसे कोई क्लेम श्लेम नहीं कर पाएगा, तो जितना इसने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो इसका वेस्ट हो जाएगा, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स की, सेल्स की आपने 2 लाख रुपए की, 17% टैक्स लिया, कितना होगा, 34,000। जब आपने परचेज की होगी वो गुड्स 1 लाख की थी, उनके ऊपर टैक्स ही नहीं था, तो कोई इनपुट पे किया होगा, नहीं किया होगा, इनपुट है ही नहीं, तो यही क्या होगी, आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। आप 34,000 क्या करेंगे, आप हुकूमत को पे कर रहे होंगे। तो अब हम किस दुनिया में एंटर होने लगे हैं, एग्जेम्प्ट के वर्ल्ड्स में, कि जहाँ पे टैक्स है ही नहीं, या आप खरीद रहे हैं आपने टैक्स नहीं पे किया, या आप बेच रहे हैं तो आप टैक्स नहीं ले रहे, तो ना बेचने पर टैक्स है ना खरीदने पर टैक्स है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जेम्प्ट वाला, कि जिस पर टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, टैक्स है ही नहीं, फिर हम कहाँ पर एंटर हो जाएंगे, टैक्सेबल के वर्ल्ड में, जहाँ पे टैक्स कैसे लगना है, क्या रेट होगा, किस रेट पे है, कम रेट है, ज़्यादा रेट है, एक्सेस टैक्स आ जाए, कम टैक्स आ जाए, एडजस्टमेंट कैसे होती है, पूरी कहानी यहाँ पे है। हम यहाँ पे किस जाएंगे, एग्जेम्प्ट छोटा सा एरिया है, इसको भी डिस्कस करते हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लग ही नहीं सकता इसे हम क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। अब देखिए एग्जेम्प्ट के लिए याद रखिएगा, अगर एग्जेम्प्ट सेल्स हैं आपकी, अगर आपकी सेल्स एग्जेम्प्ट हैं और आपने कोई इनपुट पे किया था, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, वो आपका वेस्ट हो जाता है। और इनपुट क्लेम करने का मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करवा देना, इसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्लेम करना। क्लेम करने का मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवा देना। रिफंड का मतलब क्या होता है, हुकूमत से पैसे वापस ले लेना। रिफंड का मतलब क्या होता है, हुकूमत से पैसे वापस लेना। बिकॉज आगे मेरे अब 2-3 दिन यही वर्ड इस्तेमाल होने हैं, क्लेम रिफंड, क्लेम रिफंड, क्लेम रिफंड। क्लेम का मतलब क्या होगा, क्लेम का मतलब होगा कि हमेशा आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को एडजस्ट करना है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करवाना है। या देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने सेल्स की है, मेरे पास कस्टमर आया, मैंने कहा हाँ भाई ये पकड़ो चीज़, इसने चीज़ कितने की थी, 3 लाख की चीज़ पकड़ी, मैंने कहा टैक्स दो, इसने मुझे दिया टैक्स कितना, 51,000 का से टैक्स लिया मैंने, अपने पास रखा। मैंने ये सामान कितने का लिया हुआ था, 2 लाख का, मैंने कितना पे किया था, 34,000। मैंने क्या किया, इसके इस 51,000 में से अपना 34,000 मैंने पे किया था वो साइड पे कर लिया, अपने पास रख लिया, मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला था, 17, मैंने वो क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो मैं इससे इनपुट आउटपुट टैक्स ले रहा हूँ, उसमें से जो मैंने पे किया वह खुद ही उसको अपने साथ एडजस्ट कर रहा हूँ, अपने कैश में एडजस्ट कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को पे करता जा रहा हूँ। तो ये है मेरी क्या कहला रहा है, इनपुट टैक्स क्लेम करना। इससे पैसा ले रहा हूँ, अपना पैसा एडजस्ट कर रहा हूँ, रिमेनिंग क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, ये है क्लेम करना। ये किसकी दुनिया में होगा, टैक्सेबल की दुनिया में होगा। एग्जेम्प्ट की दुनिया में क्या है कि यार मैं सामान परचेज करके लेके आया था, मैंने सामान परचेज किया, मैंने 8500 टैक्स पे कर दिया, मेरे तो बिल आ गया, मैंने टैक्स पे किया, मैं रो रहा, मैंने टैक्स पे कर दिया। मैंने चीज़ बना के बेची, ये चीज़ लेने आया, मैं कहा हाँ भाई 1,00,000 रुपया ये लो टैक्स, मैंने कहा इस पर है ही नहीं, तो इससे मुझे कुछ आया नहीं है, मैंने यहाँ पर टैक्स क्या कर दिया हुआ, पे कर दिया हुआ है, तो क्या मैं ये क्लेम कर पाऊँगा जो मैंने यहाँ पेमेंट की है, मैं नहीं कर पाऊँगा क्लेम।
तो ये जो मैंने पेमेंट की सारी की सारी मेरी क्या हो गई होगी, वेस्ट हो गई होगी, इसकी कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं मिल रही होगी, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैंने इनसे परचेजिंग की, इनकी गुड्स एग्जेम्प्ट थी, मैंने कोई टैक्स ही नहीं पे किया, मैंने गुड्स आपसे ली, मैं लेके आ गया, ये मैं ख़रीदने के लिए आया, मेरी गुड टैक्सेबल होगी, मैंने कोई ऐसी चीज़ बना दी हुई थी, इससे टैक्स ले लिया 34 का 34। अब मेरे पास कोई इनपुट है था, है ही नहीं था, इससे 34 लूँगा, क्या करूँगा, गवर्नमेंट को मैं पे कर दूँगा। तो ये कहानी सारी हमारी क्या है, न्यूमेरिकल्स में चल रही होती है। तो दो वर्ड इस्तेमाल मैंने करने हैं, क्लेम और रिफंड। रिफंड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट से पैसा वापस लेना, गवर्नमेंट से कैश वापस लेना, ये रिफंड कहलाता है। क्लेम का मतलब क्या होता है कि आउटपुट पकड़ा है, उसमें से इनपुट एडजस्ट किया है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या कर दी है, गवर्नमेंट को पे कर दी है। तो रिफंड और क्लेम का डिफरेंस आपने क्या रखना है, आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। हम डिस्कशन शुरू करते हैं अपनी एग्जेम्प्ट सप्लाई से, उन तमाम चीज़ों से जो 100% एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। रिमेंबर, मैं इनको बाय करूंगा, मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा, मैं इनको सेल करूंगा, तब भी इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और अगर मैंने कोई चीज़ बाय की थी जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया था और सेल कर रहा हूँ, टैक्स नहीं है, मेरा इनपुट क्या है, वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके हम एंटर करते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाइज क्या होती हैं, कुछ मखसूस इम्पोर्ट्स हैं और कुछ मखसूस आइटम्स हैं जो सेल्स टैक्स ने कह दिया कि ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। मेडिसन्स, आपकी मेजॉरिटी मेडिसन्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, कुछ मेडिसन्स पे होता है। जो आपका फार्मास्यूटिकल रॉ प्रोडक्ट है, पहले ये टैक्सेबल था, पिछली गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट ने अथॉरिटी क्या किया है, जो आपका फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल वो एग्जेम्प्ट कर दिया है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो दवाइयों पर टैक्स नहीं होता, लेकिन उसके रॉ मटेरियल पर टैक्स पहले था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसने हमें मेंशन कर दी हैं स्केड्यूल में, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, कुरान पाक एग्जेम्प्ट है, कुरान पाक आप पब्लिश करते हैं, आप उसको मार्केट में सेल करते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, एग्जेम्प्ट है। हुकूमत ने क्या किया है, इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं। लेकिन कुरान पाक पब्लिश करना है, पेपर भी करेंगे, पेपर तो एग्जेम्प्ट नहीं है। पेपर जब आप खरीदेंगे उस पर क्या कर रहे होंगे, आप टैक्स पे कर रहे होंगे। तो अब होता क्या है, अब कोई भी पब्लिशर है, जैसे सबसे बड़ा कौन सा पब्लिशर, ताज पब्लिशर है सबसे बड़े, ये जब पेपर लेके आते होंगे, लाख रुपए का पेपर लिया, पेपर के ऊपर ये अपना जीएसटी पे किया, कितना पे कर रहे होंगे, 17,000 इन्होंने अपना जीएसटी पे किया होगा, और ये इनका क्या कहलाएगा, ये इनका इनपुट टैक्स में कहलाएगा। पेपर लेके आए, पेपर पे क्या किया इन्होंने, कुरान पाक प्रिंट किया, अब वो किसकी फॉर्म बन गई है, कुरान की फॉर्म बन गई है। अब वो कुरान अगर बना के बेच रहे हैं, बेशक वो 2 लाख का बेच दें, उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, एग्जेम्प्ट है। जब टैक्स है ही नहीं, तो ताज वालों की कोई सेल्स टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, वो कोई सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे गवर्नमेंट को, और इवन उन्होंने जो पेपर के ऊपर सेल्स टैक्स पे किया होगा, उसे भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, उनका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कुरान पाक हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, या जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं पब्लिकेशंस वाली, ये सारी एग्जेम्प्ट होती हैं। ये आप जो सब किताबें बेच रहे हैं ना, वो टैक्स नहीं लेते आपसे, लेते हैं टैक्स आप लोगों से, वो नहीं देते, क्योंकि किताब बना के बेचना एग्जेम्प्ट है। बट पेपर खरीदते हैं जब आप जी साहब, तब उनको लगते हैं पते कि कितना टैक्स मैं पे करके आ रहा हूँ सेल्स टैक्स, उनको लगता है अच्छा खासा पता। लेकिन जब वो किताब बेच रहे हैं, जब वो पब्लिश हो गई है, वो क्या है आपका, एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये इसमें एग्जाम्पल आ रही हुई है, कुरान पाक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो एग्जेम्प्ट गुड्स की हमारी फॉल कर रही होती है। अच्छा, इसने यहाँ पे बताया कि कुछ लिस्ट है जो 6th schedule में मेंशन है जो एग्जेम्प्ट है। अब ये 6th schedule हमारे ना टैक्स में शेड्यूल्स हैं, उसने हर शेड्यूल में हमें ना लिस्ट दी हुई है कि इसमें ये फॉल कर रही है, इसका ये ट्रीटमेंट होगा। हमारे सिलेबस में 3rd schedule है जो रिटेल का है, 6th है एग्जेम्प्ट का है, 5th है वो है हमारा एक्सपोर्ट्स का। 3 schedules हैं, ये लिस्ट याद नहीं करनी है आपने, ये याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। पेपर में आपको ना वो ये चीज़ बता देता है कि ये चीज़ एग्जेम्प्ट है या नहीं है, इतना एहसान करता है। अगर वो ये नहीं बताएगा तो ये कह देगा कि ये चीज़ जो है ये 6th schedule में फॉल कर रही है। या अगर ज़्यादा इंसान की किस्मत बुरी हो, मतलब जो पास्ट में कभी नहीं हुआ और आप में से कोई ऐसा
लक्की चला गया बच्चा पेपर में देने के लिए, उसकी किस्मत से आप सारे ठुक गए तो फिर तो हो सकता है, बट इसको आप 2 से 3 दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी सारा आप क्या इसमें हो जाएगा। अब ये लिस्ट में उसने बता दिया कि इन चीज़ों में आप डील करेंगे या आपकी एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। अब इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइव एनिमल्स, ईद के ऊपर ये कैटल्स का बिजनेस होता है। एक तो है ना, ये हम गली मोहल्लों से परचेज कर लेते हैं, प्रॉपर कैटल फार्म्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, बट कभी भी वो कहते हैं कि ये बकरा 1,00,000 रुपये का 17% सेल्स टैक्स पे करो, नहीं कहते। ये जो है द लाइव एनिमल्स के ऊपर टैक्स नहीं होता, कभी भी टैक्स नहीं होता, एग्जेम्प्ट है। अब देखिए, लाइव एनिमल पर टैक्स नहीं है, अब उसी एनिमल को ज़िबा करें, उसको कन्वर्ट करें फ्रोजन मीट में, उस पर टैक्स है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। उसका गोश्त बना के अगर आप बेच रहे हैं फ्रोजन मीट करके, तो वो क्या है, टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जिस पे उसने क्लियर लिखा हुआ है नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर, कि उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, वो भी क्या है, हमारे एग्जेम्प्ट हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दी थी कि साग, आप साग पकड़ें, आप पालक पकड़ें, ये ओपन मार्केट से कभी टैक्स पे करके आएंगे, जाकर साग पकड़े मिचल्स वालों का जो कैंड होता है, उनकी ज़रा पालक पकड़ें, उस पर टैक्स पे कर रहे होंगे। आप आलू ले लें यहाँ से जाके, वो महंगे तो वो भी हो गए हैं, अब उस पर कोई टैक्स पे करेंगे नहीं। आप पकड़ें फ्रोजन फ्राइज, आप टैक्स पे कर रहे होंगे, प्रोसेस हो रहा है। आप गंदम खरीदें, टैक्स नहीं है। आप गंदम को आटे में कन्वर्ट करेंगे, टैक्स है। आप चावल की जो मुंजी कहते हैं ना, आप वो खरीदें, टैक्स नहीं है। आप उस चावल को पॉलिश करके रिफंड के बेचें, उस पर टैक्स है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो रॉ फॉर्म में आपने खेत से उगाया जाकर मार्केट में बेच दिया, वो टैक्स नहीं है। सब्जियां उगाई हैं मार्केट में बेच दिया, टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपने उसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर ली, जो हमने पढ़ी है वो क्या था, पैकिंग, एंग्रेविंग, कटिंग, मिक्सिंग, वो टैक्सेबल हो जाएगी। देखो ना, आप सब्जियां बेच रहे हैं, आपकी एग्जेम्प्ट है, आपको आइडिया आया, आप कहें काटो अचार बनाओ बेचो, टैक्सेबल हो जाएंगी। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, अगर रॉ फॉर्म में बेच रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। उसके बाद कुरान पाक या जितनी भी आपकी मजहबी किताबें होती हैं, आपकी अहदीसी किताबें हो गई हैं, या दूसरी जो मजाही बैंक किताबें हो गई हैं, ये पब्लिश फॉर्म में हो, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, कैसेट्स की फॉर्म में, ये एग्जेम्प्ट है। मतलब वो जब बचपन में कैसेट सुन के हमारा ईमान उपता था ना, हम तो अपना ईमान तेज़ कर रहे थे, लेकिन उनसे उन्होंने पैसे कमाए रिकॉर्डर्स ने, और टैक्स भी नहीं पे किया होगा, तो वो एग्जेम्प्ट है। कुरान पाक और इस तरह की तमाम होली बुक्स जो हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में, ऑडियो वीडियो फॉर्म में क्या है, एग्जेम्प्ट। अब तो ज़माना यूट्यूब का आ गया हुआ। उसके बाद इम्पोर्टेड सैम्पल्स, कि वो सैम्पल्स जो आपने इम्पोर्ट किए हैं, लोकल सैम्पल्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, इम्पोर्टेड सैम्पल्स की। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो अच्छा ये भी काम मैंने करना, तो मैं फ्रेंड ऑफिस में मैं बैठ जाता हूँ, हर चीज़ मैं कल को सफाई भी कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है, वो भी कर लेते हैं, मुझे इस पर कुछ शर्म नहीं आती, बट एटलीस्ट जो काम का है वो तो होना चाहिए फिर टाइम के ऊपर। तो मैं फिर नया लिया, तुम जाके आज मैं ले आऊँ नया जाके आज, काम पे हमेशा एक्सक्यूज नहीं चाहिए होते। रीडेबल है ना, तेरे तो 4 आंखें या तो पढ़े नहीं तेरे को। हाँ भाई मिल गई है, रीडेबल है नहीं रीडेबल, देख लें तसली कर ले, मुझे भी 1 मिनट मिल गया, शुक्र है, अच्छा अच्छा टाइम पे आया। आई वॉज लुकिंग एस्केप गॉड। जो भी पढ़े हैं वो कल मिल जाएंगे, ये वाले सारे कल पूरा सिलेबस आप अगर कंप्लीट नोट्स की फॉर्म में प्रिंट मिल जाएगा आपको। तो जितनी बातें कर रही हैं सारी इस पे लिखी हुई हैं आप लोगों की ना।
ये पेजेस इस तरह चल रहे हैं, पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं ये स्लाइड्स के ऊपर। अभी मैं कल ठीक कर दूंगा। अच्छा, सैंपल्स देखिए, एक लोकल सैंपल्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे इम्पोर्टेड सैंपल्स। लोकल में और इम्पोर्टेड में डिफरेंस पता है किसी को सैंपल्स की फॉर्म के? फिर इसको जाने दे, फिर डिस्कस करते हैं, अभी डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, सैंपल्स की बात कर रहे हैं, बाद में पढ़ लेना है, बाद में डिस्कस कर लेना, नहीं मैं वापस ले लेता। लोकल सैंपल्स हैं और इम्पोर्टेड सैंपल है। लोकल सैंपल्स वो हैं, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सैंपल्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। लोकल सैंपल्स जब भी आप करेंगे वो हमेशा टैक्सेबल होते हैं। लोकल सैंपल्स जो हैं वो हमेशा टैक्सेबल हैं, लेकिन अगर आपने कोई इम्पोर्टेड सैंपल मंगवाए हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। सैंपल्स दो या तीन ही क्वांटिटी में आते हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया, यूट्यूबर ने, आपने कहा रही मैं तो करूँगा ये, मैं तो अलीबाबा से इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे बेचूँगा। आपने जी अलीबाबा पे गए, आपने सैंपल्स के लिए अप्रोच किया, उन्होंने जी 5 क्वांटिटी आपको सैंपल्स की भेज दी, वो जो आपके इंपॉर्टेंट सैंपल है वो एग्जेम्प्ट, उस पर आप सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे होते। उसके अलावा अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए हैं डिप्लोमेट्स ने या डिप्लोमेटिक मिशंस ने या इस तरह के प्रिविलेज पर्सन ने, मतलब आपके जितने भी सफारतकार होते हैं, सफ़ीर वगैरह होते हैं, जो इस तरह के हाईली क्या कहते हैं यार, ये VIPs जो होते हैं आपके, यार डर लगता है, वीगो मैंने सुबह देखी आते हुए आज, वो हैवी ब्लैक वीगो थी, मैंने कलमा पढ़ लिया था, मैं तो आज गाड़ी पर लिखवाना है पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत डर लगता है भाई इन लोगों से। अब तो हाफ़िज़ साहब हैं तो वो छोड़ते नहीं आते, वो पार्ट्स में देते हैं फिर वापस वालों, घर वालों को। तो ये डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, अगर ये कोई चीज़ वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती हैं। उसके अलावा जो भी पर्सनल बैगेज होता है, जो आपका हैंड कैरी वगैरह होता है, जो आप लेके आ रहे होते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होता। हैंड कैरी पे नहीं होता, लेकिन दूसरा बैगेज होगा वो पकड़ा जाता है आपका, उस पर टैक्स लग जाता होता है, हैंड कैरी पर टैक्स नहीं होता आपका। उसके अलावा अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो ग्वादर में है या इस तरह के जोन्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर उस जोन में, उस जोन के लिए आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं और उसके लिए आपने कोई मशीनरी या मटेरियल वगैरह इंपोर्ट किया जो उस जोन में लगना है जाके, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, जाएँ लगाएँ ग्वादर में, आप मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, कोई टैक्स नहीं पे लगेगा आपको, आपका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। उसके अलावा अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट की हैं किस मकसद के लिए कि आप उसको बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे, टेम्प्रेरी मंगवाई है, बाद में अपने यहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकाल देनी है, तो वो भी क्या होगी, आपकी एग्जेम्प्ट होगी, उसमें कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लग रहा होगा। उसके अलावा जो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स होती है अंडर वारंटी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होता, चाहे वो इंपोर्ट है चाहे वो लोकल है। अंडर वारंटी कभी भी जब डिफेक्टिव पार्ट्स की रिप्लेसमेंट वगैरह हो रही है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। इवन अगर आपने कोई इम्पोर्टेड गुड्स ली है, वो अगर आपके अंडर वारंटी ठीक हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगी। बिकॉज जब आपने गुड्स परचेज की होती हैं आप उस वक्त ही उसका टैक्स पे कर देते हैं। अब उसमें डिफेक्ट आया, चीज़ ख़राब हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो रही होती है, उस पर आपका कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा होता, कैश आप नहीं पे कर रहे होते, इसलिए वो भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। उसके अलावा अगर कोई भी गुड्स ऐसी हैं जो आपने पाकिस्तान में बनाई हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी हैं,
लेकिन एक साल के अंदर अंदर वो पाकिस्तान में वापस आ गई हैं। आपने अपने भेजी कंसाइनमेंट, कोई मसला मसला हो गया, वापस पाकिस्तान में आ गई है, तो वो भी आपके एग्जाम्स के ऊपर भी टैक्स नहीं पे होगा। अब जो ये वाले पॉइंट है ना, ये पेपर में आए हुए हैं, इसमें से एक पॉइंट पेपर में आया हुआ है और ये पेपर में आ भी सकता है। इन तीनों में से एक पॉइंट पेपर में टेस्टेड है, एसोसिएट वाले सवाल में है। पहला है कि अगर गुड इंपोर्ट की हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने या किसी भी नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, अगर इन्होंने कोई गुड्स वगैरह खुद इंपोर्ट की है तो वो एग्जेम्प्ट टैक्स नहीं है। या इन्हें कोई गुड्स डोनेट कर दी जाएँ सरकारी हस्पतालों को या रिसर्च इंस्टीट्यूशन को या नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं, उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। ये हमने कल भी बात की यार डोनेशन वाली, कि डोनेशन सप्लाई तो है थी। अगला सवाल क्या था, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, उसका जवाब यहाँ पर लिखा होगा। डोनेशन सप्लाई तो है लेकिन टैक्सेबल है कि नहीं, उस पर क्या था, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था कल। वो क्वेश्चन मार्क का आंसर यहाँ पर है कि अगर आप सरकारी हस्पतालों को या नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या रिसर्च इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल होती हैं। बड़ी गलती थी यार। उसके बाद है अगर गुड्स किसके अलावा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बिजली और गैस के अलावा, क्योंकि जो बिजली है और जो गैस है उसको भी सेल्स टैक्स वाले गुड्स ही शुमार कर रहे होते हैं। अभी हमने पढ़ा वैल्यू सप्लाई में कैसे कर रहे होते हैं। बिजली और गैस के अलावा कोई भी गुड्स किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल को जो 50 बेड या उससे ज़्यादा का हो, या किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल को किसी भी स्टैट्यूटरी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो 200 बेड या उससे ज़्यादा का हो, अगर आप उससे कोई गुड्स वगैरह दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। जैसे ये AIMC जो है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, ये टीचिंग हॉस्पिटल है, इसके साथ मुंसलिक कौन सा है हॉस्पिटल, उसके 200 बेड हैं, गिन के है तो हैं वकील है। अगर आप देखें वो टीचिंग हॉस्पिटल है AIMC, उसके साथ कौन सा है मेडिकल कॉलेज AIMC है, साथ हॉस्पिटल कौन सा है, जिना है, और उसके बेड 200 से ऊपर है, आप कोई भी चीज़ डोनेट करेंगे वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। सिमिलरली कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जैसे शौकत खानम हो गया, सुरैया खानम हो गया, ये दो तीन और हैं, 50 बेड से ऊपर के अगर हॉस्पिटल्स होंगे, अगर आप इन्हें कोई डोनेट करेंगे तो ये भी क्या होंगे, एग्जेम्प्ट है। ये गुड्स कौन सी हैं, इसमें आप इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें ले सकते हैं, ये सारा कुछ आ सकता है, सप्लाइज हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, बेंचेज हैं, और वाटर कूलर दे दें, सारा कुछ ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इवन आप इन्हें फूड सप्लाई कर दें वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट पेपर में आया हुआ है, ये वाला पॉइंट पेपर में टेस्टेड है न्यूमेरिकली। उसके अलावा कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या कोई भी एडवर्टाइजमेंट मटीरियल, जैसे ब्राउशर्स होते हैं, ये फ्री पम्फलेट्स वगैरह होते हैं, इस तरह के जो गिव अवेज़ वगैरह होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे होते हैं अपनी एग्जीबिशन वगैरह के लिए, ये भी एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसको रीड कर लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। और इसमें से जो मेनली पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से दो तीन दफ़ा रीड करें, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में रह जाएंगे, तो डैट विल बी इनफ। इसको एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं पूछेगा जी मुझे 6 कैजुअल लिख के बताएं, उसने ये नहीं पूछना, उसने कहा एडजस्टमेंट गिवन करनी है, आपने पढ़ के फैसला करना है उसने फॉलो कर लिया कि नहीं कर रही, वो आपने खुद उसका डिसीजन पास करना होता है। उसके अलावा और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, कहते हैं सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड अगेंस्ट विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेपर में टेस्टेड नहीं है। देखिए, जो आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टॉक इन ट्रेड, एक होता है अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, एनीवन, आपके पास एसेट्स हैं दो तरह के हैं, एक हैं आपके स्टॉक इन ट्रेड और दूसरे हैं आपके अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड किसे कहते हैं, इन्वेंट्री को। ये वो एसेट्स हैं जो आप बेच रहे हैं, जिसमें आप डील कर रहे हैं, जो आपके स्टॉक में।
मतलब टोयोटा वालों के लिए जो उनकी गाड़ियां हैं वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाएंगी, वो उनकी इन्वेंट्री कहला रही होंगी, ठीक है। लेकिन एक फर्टिलाइज़र कंपनी है उसके पास जो उनकी गाड़ी खड़ी हुई है वो उनका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। एक फर्नीचर का शोरूम है उनके लिए जो फर्नीचर है वो उनका क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन ऑफिस है यहाँ पे इनका जो है वो फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। अब जो स्टॉक इन ट्रेड के अलावा एसेट्स होते हैं, आप खरीद के लेके आए थे, आपने उसका टैक्स पे कर दिया, अब वो क्या कहला रहे हैं आपके, यूज्ड एसेट्स कहला रहे हैं। ऐसे ही है, अगर आप यूज्ड एसेट्स बेचते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता, यूज्ड एसेट्स के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता। उसने यही बात की है लेकिन घुमा के बात की है, आप इसको नोट कर लें बस। इस लाइन का पूरा मतलब क्या है कि जो यूज्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। एग्जांपल क्लैरिफाई कर देगी, जैसे रीसेल ऑफ व्हीकल है या ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट, जो डिप्रिशिएट आप करते रहे हैं, आप इन्हें अगर बेच रहे हैं तो इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। तो ये यूज एसेट्स की है। अब पेपर में उसने आज तक यूज एसेट्स नहीं पूछे। पेपर में आईकैप ने पिछली 27 अटैम्प्टों में यूज्ड एसेट की एडजस्टमेंट नहीं गिवन की। वो क्या गिवन करते हैं, एसेट्स परचेस्ड ख़त्म, एसेट सेल्स ख़त्म। उसने कभी भी एसेट से पहले यूज़ का वर्ड लगा दिया ना तो एकदम से आपका वक्त बदल देना है, हालात बदल देने हैं, बिकॉज़ वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और बच्चों के माइंड में ये चीज़ नहीं रहती है, बिकॉज़ यूज एसेट का मतलब क्या था, जब आप उस एसेट को परचेस करके लेके आए थे आपने टैक्स पे कर दिया। अब आप एक कमोडिटी के ऊपर ना टैक्स एक दफ़ा पे होता है। मैंने ये पेन परचेज़ किया, मैं टैक्स पे करके आ गया क्योंकि मैंने ये एज अ एंड कंज्यूमर लिया था, एंड कंज्यूमर मैंने इस्तेमाल किया, मैंने टैक्स पे कर दिया। अगर मैं इसे आगे बेच रहा हूँ ना तो मैं आगे टैक्स नहीं ले सकता। तो यूज्ड एसेट अगर मैंने बीइंग अ एंड कंज्यूमर लिए हैं तो अब मैं उन्हें बेचूँगा तो मैं आगे कभी भी टैक्स नहीं ले सकता। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक गुड्स हैं, मखसूस गुड्स, जिसमें एनर्जी सेवर लैम्प्स आ जाते हैं, जितने भी आपके LED लैम्प्स हैं इस पर टैक्स नहीं है। फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल है, कुछ फिनिश मेडिसन्स हैं, कुछ मेडिसन्स के ऊपर टैक्स है, अदरवाइज़ नहीं है। उसके अलावा ये लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, ये नोटबुक्स हैं, अगर आप इनके पार्ट्स वगैरह को इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे असेंबलिंग तो होती नहीं है, एक ही प्लांट है हायर का, वो भी तकरीबन बंद हो गया हुआ, जितने गंदे लैपटॉप थे उनके। लेकिन अगर आप लैपटॉप्स कंप्यूटर के पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं असेंबल करके बेचेंगे तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद कुछ मखसूस मशीनरी है, जैसे कॉल फायरिंग सिस्टम का इक्विपमेंट है, जितनी भी होती है पावर जनरेशन की मशीनरी, ये बड़े बड़ी जो आपकी आती हैं टर्बाइंस वगैरह, इनके कन्वर्टर्स वो, या ये जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट होते हैं, बड़े बड़े राउटर्स होते हैं, ये स्विचेस वगैरह होते हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लिए, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लग रहा होता। ये क्लियर है यहाँ तक? याद कुछ नहीं करना इसमें से, इसको बस रीड आउट ही करना। आपने बता रहा हूँ कि ये चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं, इनमें डील करेंगे, कोई सेल्स टैक्स नहीं लेंगे। इवन अगर ये चीज़ें खरीदी भी होंगी तो हम सेल्स टैक्स कोई पे नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद कि अगर आपने कोई रॉ मटेरियल या कोई भी इंटरमीडियरी गुड्स जो आप बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद इस्तेमाल की है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है। उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है किसमें से सिनेरियोज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। ये है हमारा इन हाउस कंजम्पशन से रिलेटेड, कि इन हाउस कंजम्पशन क्या होती है, इसको समझते हैं क्या है और क्या नहीं है। वैसे इन हाउस कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, एनीवन? घर के अंदर इस्तेमाल करना, सही। अब इन हाउस कंजम्पशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री है, आपके दो प्लांट्स लगे हैं, एक कार और दूसरा टायर्स बना रहे हैं। अगर आप गाड़ी बना के बेच रहे हैं, क्या अपनी गाड़ी के लिए टायर्स आप बाहर से परचेज करेंगे? नहीं ना। अब इसमें ये आपकी एक अलग फैक्ट्री है,
एक सेपरेट बिजनेस है आपका, ये क्या है आपका, सेपरेट बिजनेस है। आप गाड़ी बेचते हैं, गाड़ी भी क्या है, टैक्सेबल प्रोडक्ट है। आप जब गाड़ी बेचेंगे आप क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लेंगे। आप अगर टायर बेचते हैं खाली मार्केट में तो ये भी क्या होंगे, ये भी आपका टैक्सेबल प्रोडक्ट है, आप उसके ऊपर भी क्या लेंगे, टैक्स ले रहे होंगे। ऐसे ही है। आप क्या करते हैं, आपने गाड़ी बनाई, टायर तो लगाए नहीं थे, अरे क्या करें, मार्केट से पकड़ लेंगे, बेवकूफ़ हो, खुद बना रहे हो, सस्ते निकाल लो यहाँ से। उसने कहा ठीक है। आपने इन्हें कॉल की, CFO ने कहा यार हमें टायर भेज दो, टायर भेजे, आपने उठा के अपनी गाड़ी में टायर लगा के गाड़ी कंप्लीट करके बेच दी। ठीक है, ये जो अपने टायर जो खुद बना रहे थे, जो मार्केट में बेच रहे थे, अगर आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल किए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इन हाउस कंजम्पशन कह रहे होते हैं, कि घर की चीज़ घर में इस्तेमाल कर ली है। ठीक है, क्लियर है ये। अब सवाल क्या है, सवाल ये नहीं था, सवाल ये है कि ये टायर्स जब मैंने यहाँ पे बना रहा था, मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, मैं कस्टमर से टैक्स ले रहा था, मैंने वो मार्केट में नहीं बेचे, मैंने उठा के अपनी कंपनी की गाड़ी में लगा दिए, क्या यहाँ पे टैक्स होगा? ये अब ये असूल ध्यान से सुनना, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कार है। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, आप गाड़ी बेचेंगे, आप टैक्स लेंगे, देन आपकी ये इन हाउस कंजम्पशन क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट कार जो वो बना के बेच रहे हैं, अगर वो टैक्सेबल है, तो फिर ये इन हाउस कंजम्पशन क्या है, आपकी एग्जेम्प्ट है, आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है, इसको ज़रा अब्सॉर्ब करें फिर आगे चलते हैं। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, तो फिर जो आपकी इन हाउस कंजम्पशन है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है। अगर ये टायर वैसे ही एग्जेम्प्ट होते, टायर के ऊपर टैक्स होता ही ना, और मेरी गाड़ी जो है वो टैक्सेबल होती, तो क्या टैक्स चार्ज होना था? अगर टायर्स मेरे एग्जेम्प्ट होते, यहाँ पर टायर्स टैक्सेबल है ना, अगर टायर्स मेरे एग्जेम्प्ट होते और मैं इन हाउस कंजम्पशन कर रहा हूँ और गाड़ी मेरी टैक्सेबल है, तो क्या अगर मैं टायर्स को इन हाउस कंज्यूम करता टैक्स होना था? क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो एग्जेम्प्ट है फिर तो उसके ऊपर टैक्स होना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर टायर टैक्सेबल थे और मैं इन हाउस कंज्यूम कर रहा था, तो सवाल था क्या टैक्स चार्ज करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इस कंपनी ने कहना भाई कितने टायर, 100 टायर, ठीक है बिल भेजो, वो मुझे बिल भेजेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर देंगे, तो उन्हें मैंने कहना है भाई सेल्स टैक्स हम तुम्हें पे नहीं कर रहे, बेशक अपनी कंपनी है लेकिन वो एक अलग यूनिट है, आप अलग यूनिट हो, इसके अपने अकाउंट्स हैं, इसके अपने अकाउंट्स हैं, इसका अपना CFO, इसका अपना CFO, मालिक बेशक एक ही हो, वो अलग एंटिटी है, अलग एंटिटी है, वो अपना जवाब दे, अपने जवाब दें, उसे कहना भाई ये बिल है पैसे निकालो, कहेंगे पैसे निकालेंगे, लेकिन ये रूल कहता है कि हम इन हाउस कंजम्पशन कर रहे हैं, तुम हमारा ही पार्ट हो, बेशक तुम अलग प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन लॉ कहता है कि अगर मैं इसको उस चीज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ जो वो टैक्सेबल है, तो इस इन हाउस कंजम्पशन को एग्जेम्प्ट हम समझते हैं, मैं तुम्हें बिल तो भेज दूंगा बट उसमें टैक्स जो है वो शामिल नहीं होगा, इन हाउस कंजम्पशन क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पे हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं, आपका पब्लिशिंग हाउस है, और आपकी दो इंडस्ट्रीज हैं, दो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं आपकी, आपने लगाए हुआ है अपनी पेपर मिल और आपने अपना एक पब्लिशिंग हाउस भी बनाया हुआ है। पेपर मिल से आप पेपर बना के मार्केट में सेल करते हैं, और पेपर क्या है, एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है। पब्लिशिंग हाउस से आप बुक बना के पब्लिश करते हैं, और बुक क्या होती है,
अभी हमने पढ़ा, वो लिखा होगा पिछली स्लाइड पे, किताबें जर्नल से क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं, ये हमने पढ़ा है अभी। अब पब्लिशिंग हाउस भी इसी का है, पेपर मिल भी इसी की है। अगर इसने किताबें पब्लिश करनी है तो कागज़ से जाके कहाँ से लेगा, मार्केट से लेगा, ये क्या करेगा, इन हाउस कंजम्पशन करेगा, मार्केट से महंगा पड़ना है तो कहना अपनी है सस्ता कर लेते हैं, ये यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ पे ला के दे देंगे कंजम्पशन, ये भी इन हाउस है। अब सवाल ये है क्या ये कंजम्पशन हमारी टैक्सेबल है कि नहीं है, दिस इज़ द क्वेश्चन। असूल क्या है, उसी असूल को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हमने देखना है फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं है, तो फिर ये जो इन हाउस कंजम्पशन है ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, अगर फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है इन हाउस कंजम्पशन एग्जेम्प्ट है, अगर फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो इन हाउस कंजम्पशन क्या होती है, टैक्सेबल होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। टैक्स वाले कितने अच्छे हैं ना, रगड़ देते हैं, छोड़ते हैं, किसी को भी नहीं है किसी भी एंगल से, वाकई कब्र से भी टैक्स निकालते हैं ये। हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में जाके कि बंदा जब फोत हो जाता है, जब करामन कातबीन उसका हिसाब किताब कर रहे होते हैं, वहाँ बैठ के फिर भी लगा होता है इसकी तरह इनकम इतना टैक्स निकालो, मजाक के अलावा। अभी 2021 में एक जानने वाले फोत हुए, ही वॉज अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, वेल सेटल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, चलिए इस बार नहीं हुआ था, नोटिस आ गए हुए थे, मतलब वो उसकी अभी फैमिली गम से नहीं निकली, तो एफ आई का नोटिस आ गया था, भाई ये इतने इसके एसेट्स है, ये इसके शेयर से, ये कंपनीज के नाम है, ही वॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर बिजनेस मैन ऑफ द ईयर था 5-6 साल के लिए, हमें दें, क्योंकि जितना बड़ा आदमी होता है ना उसका जल्दी जा बात फैलती है, और चूंकि वो अच्छा खासा बड़ा बिजनेस मैन थे, वो तो कहते चलीसवा नहीं हुआ, तो 5-6 नोटिस इकट्ठे आ गए हुए थे कि इनकी फाइनल रिटर्न जमा कराएं, तो ये वो टैक्स वाले बड़े ज़ालिम हैं। तो ये क्लियर है, अब ज़रा एग्जाम्पल 1, 2, 3 पढ़ें और बताएं इसमें कोई मसला है। ये एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 इसको रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तुझे भी टैक्स याद हो गया होगा सारा, है ना, पेपर है ना, हाँ तू रहा पास है, इनका हो ना हो, डबल डबल सुन रहा है, वहाँ से भी यहाँ से भी। डन, क्लियर है एग्जाम्पल्स ये? इसमें किसी का प्रॉब्लम मसला? कहते हैं एक चाय का मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी ही चाय जो कंपनी में बना रहा है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में दे रहा है। भाई मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ आपने गौर करनी थी वो क्या थी, मैन्युफैक्चरर थी। तो ये हमने कल पढ़ा नहीं था मैन्युफैक्चरर, पहले वाले एग्जाम्पल में ये सप्लाई होगी और टैक्सेबल आई, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर है
वो अगर फ्री में दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज वाले चाहे दे दिए, ये इनकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, एग्जेम्प्ट है ये। लेकिन अगर टपाल हाउस होता तो इनकी सप्लाई कंसिडर होनी थी, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर हैं। उन वो अगर फ्री में दे रहे हैं तो वो उनकी पहली सेल है ना, पहली सेल ही किसे कर रहे हैं, वो एंड कंज्यूमर को कर रहे हैं। ये तो खरीद के लाइए टैक्स पे करके आ चुके हैं, इनकी सप्लाई नहीं है, बट यहाँ पर सप्लाई कंसिडर होगी, ठीक है। आखिरी पॉइंट अभी के लिए सिर्फ याद रखना है कि अगर हम किसी भी एग्जेम्प्ट गुड को एक्सपोर्ट कर दें तो वो क्या होती है, ज़ीरो रेटेड गुड होती हैं। ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाइज जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। ये टेबल पे भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये भी हम थोड़ी देर के बाद इस टेबल के ऊपर वापस आ रहे होते हैं। इस टॉपिक से जो पास्ट पेपर्स हैं वो दोनों डिफरेंस के आते हैं, वो भी हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाइज कंप्लीट होती हैं कि यही थी, इन चीज़ों में बेचोगे, इन चीज़ों को ख़रीदोगे, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं चार्ज होगा। क्लियर है? यस सर। इसमें कोई मसला? यहाँ तक रखते हैं आज, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल हम बैक टू बैक तीन स्केड्यूल्स करेंगे। बिकॉज अगर मैंने शुरू कर दी तो बड़ी मुश्किल से मेरी सप्लाई चेन पूरी होने क्लास ख़त्म हो जानी है। अगर वो डिसकंटिन्यू होगी ना तो कल आपको यहाँ पे वापस आना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, वो माइंड ब्रेक होता है। तो कल हम चलेंगे कंटिन्यूटी में ये सप्लाई चेन और तमाम कर कर आके, कल मतलब ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 18 जो है ये भी आपका कल हाफ हो गया होगा। इसके बाद चांद एक रूल्स हैं, आपका सेमेस्टर कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्ड सप्लाईज हमारी हो गई हैं अब नॉर्मल है, और हमारी एक्सपोर्ट्स हैं हमने वो डिस्कस करनी है। क्योंकि अभी टाइम देख रहा हूँ आधा घंटा है, तो आधे घंटे में बस सप्लाई चेन हो पानी है। तो सप्लाई चेन का सारा जो टॉपिक लिंक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आप कर लें मेरे से, अदरवाइज़ फिर हम इसको डन करते हैं। बट ये है कि फ्राइडे को ये सेल्स टैक्स हमारा ख़त्म है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? मैं लग रहा है, क्योंकि तो मैंने अगले वीक ख़त्म करना था, वो नहीं ख़त्म हो गया। खैर है, समझ तो नहीं आई? समझ आई। हंस क्यों रहा है फिर? बंदा ना मायूस होता है समझ जब आती है, ठीक है।